गुड मॉर्निंग, आई होप आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। हाँ, और कैन यू ऑल जस्ट हेल्प मी टू नो दैट माय ऑडियो वीडियो हर चीज बिल्कुल क्लियर है। हिंदी में ही बात कर लेता हूँ क्योंकि जिनको भी हिंदी नहीं आती उनके लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन हो रहा है वो अलग आईडी है। आई थिंक जूम आईडी आपके अप्लायंस ने आपको दे रखा होगा। ओके, सो ऑडिबल एज वी कैन, आप लोग मेरे को ग्रुप पे बताओ, मैं ग्रुप पे एक बार चेक कर लेता हूँ तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि एवरीथिंग इज क्लीन एंड क्लियर। ओके, मैसेजेस, कुछ मैसेजेस मुझे दिख जाए एक बार, ये क्लियर हो जाए। ओके, डन, गॉट द मैसेज इज क्लियर। लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोगों ने होली बहुत अच्छी मनाई होगी, रंगों से होगा, आपने पूरे दिन और शाम को बैठ के रंग छुड़ाया होगा और साथ में क्लोजिंग बहुत अच्छी करी होगी, क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर आपने चेक नहीं बनाया, आपने पैसे नहीं कमाए तो फिर त्योहार थोड़ा फीका था ना। ओके, तो क्योंकि त्योहारों के दिन जितने बिजनेसमैन होते हैं उन सभी लोगों का बिजनेस चलता है, कुछ ना कुछ सामान बिकता है, मिठाई वाले का, कपड़े वाले का। आप लोग भी तो बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन ही हो ना। ओके, सो आई होप कि आप लोगों का दिमाग ऐसे अब सोचने समझने लगा होगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, माय नेम इज ब्रिजेश एंड ऑब्वियसली आपके अपलाइन लोगों ने बहुत ढेर सारी कुछ बातें करी होंगी अभी यहां मुझे स्क्रीन पे लाने से पहले। आई कैन से ओनली वन थिंग कि अभी यहां तक जहां तक पहुंचा हूं वो शायद ऊपर वाले की कृपा है, अपलाइंस का गाइडेंस है, चीफ मातोश्री की वजह से है, और सिर्फ इसलिए है कि आप सभी लोगों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया कहीं ना कहीं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। That's why I'm here. Otherwise, I don't think, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया होता कभी भी। Okay, so thank you so much and all the जितनी बातें इन लोगों ने करी होंगी, credit goes to those people only. आपके जितने अप्लाइंस आए थे स्क्रीन पे, उन लोगों ने जितनी बातें करी वो सारा क्रेडिट उन लोगों को जाता है क्योंकि उन लोगों ने मेहनत करी आपके साथ। Okay, और शायद बदले थोड़ा बहुत जो मुझे मिलना था वो मिल गया, और यही खूबसूरती है इस बिजनेस की कि अगर आप वो करते रहें जो आपको करना है गाइडेंस के साथ, तो आप जहां पहुंचना चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा आगे पहुंच सकते हैं। ओके, सो मैं सोच रहा था आज क्या बात करूं एंड कैसे बात करूं, और मेरे दिमाग में कई पॉइंटर्स चल रहे थे कि मुझे ये बात करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए था। पिछले 5-6 दिन से मैं इंडिया में ही था और अभी अभी लैंड हुआ हूं मैं, और आई थिंक आप लोग में से कई लोगों को शायद सोशल मीडिया या व्हाट्सएप स्टेटस से पता भी लगा रहा होगा कि कल रात में मैंने क्लोजिंग खत्म की, 9:30 क्लोजिंग खत्म की, और 12:30 बजे मैं वापस होटल आ रहा था, तो लगा कि मैं इस बार अजमेर शरीफ नहीं गया, और बहुत दिनों बाद, इनफैक्ट पहली बार शायद ऐसा होने वाला था कि मैं इंडिया आया हूं और मैं अजमेर शरीफ नहीं गया हूं। तो रात के 12:30-1 बजे मैंने फिर पता किया, उदय से बात करी कि चल सकते हैं क्या, एंड देन हम लोग रात में 2:45 भूख लग रही थी तो रास्ते में रुक के थोड़े पराठे खाए, और एग्जैक्ट 6 बजे हम लोग अजमेर शरीफ पहुंच गए थे, और वहां पे गए, मत्था टेका, जो भी कहते हैं दुआ सलाम, जो भी सब करना है सब किया, और थोड़ी अपनी एनर्जी को रिचार्ज किया, एंड वहां से हम लोग निकले। मेरे ख्याल से 8:05 कम था निकले, और 11:50 पे मैं वापस होटल में आ गया था। एंड सो ऑब्वियसली इस प्रोसेस में कहीं मैं सोया नहीं था, बिल्कुल जगा हुआ था, तो और 4 बजे की मेरी फ्लाइट थी, सो एयरपोर्ट गए, उसके बाद आया सीधे वहां से एयरपोर्ट गया, एयरपोर्ट पे फिर थोड़ा बहुत जो लाउंज में खाया वाया, एंड उसके बाद मैं, मुझे लगता है मैं फ्लाइट में एंटर हुआ हूँ एंड आई स्लिप्ट, मैं सिर्फ सो गया, कुछ नहीं, उन्होंने एक ऑरेंज जूस दिया था, वो जूस पिया मैंने और मैं सो गया, और मुझे लगता है कि उसके बाद मैं सीधे जब दुबई फ्लाइट लैंड हुई है तब मैं उठा हूँ, और ये चल रहा था कि सिस्टम लेना है, सिस्टम में बात करनी है, एंड आई वाज लाइक कि यार पता नहीं सब कुछ ठीक रहेगा तभी तो, क्योंकि कल रात से मैं देख रहा हूँ कि जो चीज मैं सोच रहा था कि इतने बजे से ये काम बिल्कुल वैसे ही हुआ। इनफैक्ट मैं भी शालू से ये बोल रहा था कि 10-15 मिनट में पहले चल रहा हूँ, इट इज लाइक ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले ने डिसाइड कर लिया था कि हाँ ठीक है अभी ये करो। तो नहीं तो 4 घंटे में जाना, 4 घंटे में आना, एंड वाज लाइक आई मीन रास्ता भी खाली मिलना, बहुत ढेर सारी चीजें ऐसी थी जो
और फिर यहाँ दुबई में मुझे था कि कहीं फ्लाइट डिले ना हो तो बैकअप में अर्पित वॉज रेडी टू टेक द सिस्टम, आई वॉज नॉट सपोज टू टेक द सिस्टम. एंड मैंने अर्पित को बोला तुम सिस्टम ले लो, एंड अर्पित वॉज लाइक कि ये पहली बार ये फीलिंग बड़ी अजीब सी है कि सिस्टम लेना है कि नहीं लेना है, और मैं सिस्टम नहीं लेना चाहता बिकॉज यू आर टेकिंग सिस्टम. और फाइनली मैं बिल्कुल आई मीन इंडिया टाइम 9 o'clock मैं बिल्कुल यहाँ घर पे आ गया था. उसके बाद एक चाय पी, चाय पीने के बाद फिर सीधे आप लोगों से बात कर रहा हूँ. ओके, सो मैं वही सोच रहा था इस बीच कि मुझे क्या बात करनी चाहिए, क्योंकि यूजुअली अगर आप लोग जो लोग थोड़े पूछेंगे उनको ये बात दिखती होगी कि मैं मेरा सिस्टम यूजुअली त्योहारों के दिन होता है, कभी ईद, कभी होली, कभी दीपावली, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा सिस्टम इन्हीं त्योहारों के आसपास होता है. एंड आई डोंट नो क्यों होता है, मैं बहुत ज्यादा फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करता हूँ. मुझे लगता है कि फेस्टिवल सेलिब्रेशन होना चाहिए, बट वो सेलिब्रेशन इस फॉर्म में होना चाहिए, वो सिर्फ एक दिन होली, एक दिन दीपावली, एक दिन ईद, एक दिन क्रिसमस, ऐसे नहीं होना चाहिए. मुझे लगता है कि लाइफ में एक ऐसा इंसान बन जाए जो अपनी फैमिली को डेली वो सारी चीजें दे जो उसको मिलनी चाहिए, जो उनको मिलनी चाहिए. तो एवरी डे इज अ सेलिब्रेशन, हर रोज होली हो, हर रोज दीपावली हो, हर रोज ईद हो. सो मैं उस कॉन्सेप्ट में बिलीव करता हूँ. हाँ, जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो ऑब्वियसली मैं आपके जैसा था, जैसे आप हूँ, बट धीरे धीरे बिजनेस में रह करके, लोगों के साथ मिल करके, लोगों को जान करके, जैसे जैसे लैंडमार्क्स मिलते गए, जैसे जैसे समझ बढ़ती गई, जैसे जैसे गाइडेंस मिलता गया, वैसे वैसे ये चीजें इंप्रूव हो गई. और आज मुझे लगता है 10 साल और 1 महीना हो गया 10 फरवरी 2012 को मैंने ये बिजनेस शुरू किया था. तो ऑलमोस्ट लाइक 10 साल और 1 महीना और उस 1 महीने से ज्यादा कुछ दिन हो गए. तो इन 10 सालों में मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि ये बिजनेस पूरा जर्नी ऑफ चेंज है. शुरुआत जब आप करते हो तो आपकी सोच अलग होती है, आपकी सराउंडिंग अलग होती है, आपके आसपास के लोग अलग होते हैं, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये धीरे 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 बदलता है. आपके आसपास के लोग बदलते हैं, आपके आसपास जो चीजें हो रही होती हैं वो बदलती हैं, और उसकी वजह से आपका जो सोचने का तरीका होता है वो बदलता है, बोलने का तरीका होता है वो बदलता है. और जब आप सोचने, बोलने और करने के तरीके जब आपके बदलते हैं तो फाइनली आपका रिजल्ट भी चेंज होता है. ओके, सो मुझसे अगर कोई पूछे कि 10 साल में बिजनेस, आई मीन बिजनेस में सक्सेसफुल होने का सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या है, तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि साथ रह के बदलते रहने का बिजनेस है. मुझे अभी भी चीफ अभी भी ये बात बोलते हैं कि अगर तुमने बदलना बंद कर दिया, बदलना मतलब अपग्रेड करना, नॉट बदलना मतलब इन एनी अदर सेंस, कोई और मतलब नहीं, बदलने का मतलब कि अगर आप डेली इंप्रूव नहीं कर रहे हो, हर रोज, हर हफ्ते, हर मंथ कुछ इंप्रूव नहीं कर रहे हो, अपने अंदर कुछ नई चीजें लेके नहीं आ रहे हो, तो आपकी ग्रोथ स्टेग्नेंट हो जाएगी. ओके, सो आज भी वो मुझे हमेशा पुश करते रहते हैं कि अभी तुमको ये करना चाहिए, दिस इज व्हाट यू शुड थिंक, ऐसे सोचना चाहिए, ऐसे बात करनी चाहिए, ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए, वो सारी बातें. तो मुझे लगता है कि शायद इन्हीं लोगों की गाइडेंस से, टाइम टू टाइम जो अपलाइंस का गाइडेंस मिला, जब मैं बिल्कुल नया था तब जब गाइडेंस मिला, जब 10 लोगों की टीम हुई तब जब गाइडेंस मिला, 30 लोगों की टीम हुई तब जब गाइडेंस मिला, 100 लोगों की टीम हुई तब जब गाइडेंस मिला, 300 लोगों की टीम हुई तब जब गाइडेंस मिला, 500 लोगों की टीम हुई तब जब गाइडेंस मिला, 1,000, 3,000, 5,000, 10,000, 30,000 और अभी 50,000 लोगों की भी अगर टीम है, तो जो गाइडेंस मिल रहा है उसी के दम पे चीजें आगे बढ़ रही हैं. और तो मुझे नहीं लगता कि मेरी तो कोई, मैं तो कहीं से भी, मुझे कभी कभी, इनफैक्ट मैं पिछले कई दिनों से ये बात बार बार, कई दिनों से क्या, ये बात मेरे दिमाग में हमेशा चलती है कि सोच समझ के तो मैं डॉक्टर बना था, और शायद मुझे डॉक्टरी ही करनी चाहिए थी, बट ऊपर वाले की मर्जी थी, शायद इसीलिए ऊपर वाले ने इस बिजनेस में डाला और ऊपर वाले ने ही यहां तक पहुंचाया है. सही समय पे सही लोगों को मेरे आसपास ले आए, सही समय पे मेरे को उसे कहते हैं ना सद्बुद्धि, सही समय पे सही अकल दी, ताकि मेरे आसपास जो लोग हैं मैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको फॉलो कर सकूं, और सही समय पे ऊपर वाले ने वो ताकत दी कि मैं उसको पूरी तरीके से फॉलो कर पाऊं. तो ये चीजें जब हुई, होती रही, इस वजह से शायद बिजनेस यहां तक पहुंचा है जहां तक अभी आपके अपलाइन लोगों ने एक्सप्लेन किया है. और मुझे अभी भी लगता है कि अभी बहुत काम बाकी है. आई स्टिल बिलीव दैट अभी बहुत काम बाकी है. अभी तो कुछ ठीक है, थोड़ा बहुत हुआ है, बट इतना नहीं हुआ है कि अभी आराम किया जाए. ओके, सो
इसलिए मैं चाहता था कि मैं शुरू में थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं अपने बारे में, क्योंकि फिर वो ना आपके अपलाइन लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं कि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये तो किसी और प्लेनेट से उतर के आए हैं, शायद ये कहीं और से आए होंगे एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आप कभी मुझसे मिलोगे, आप अगर कभी भी सफायर करो तो आप मुझसे मिल सकते हो। आपके अपलाइंस हमेशा ये बात बोलते हैं। जिनको सफायर नहीं पता है, शायद वो लोग बिजनेस में बहुत नए हैं, प्लीज आप अपने अपलाइन से बात करिएगा कि ये क्या होता है, कैसे होता है, और प्लीज अपना टारगेट सेट करिएगा कि आप अगर सफायर करें तो आपसे ज्यादा मुझे खुशी होगी आपसे मिलने में, सो दैट जो भी मैंने सीखा है वो मैं आपको गाइड कर पाऊँ कि हाउ टू गो अहेड फ्रॉम देयर। जो मेरे अपलाइंस ने मेरे साथ किया बेसिकली वही आगे ट्रांसफर करना है। ओके, सो जब भी कभी आप मिलेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि यार हम लोग, मेरी भी दो आंख दो कान एक नाक एक मुंह दो हाथ दो पैर ही हैं और कुछ स्पेशल नहीं है। नहीं तो अप्लाइंस जब बात करते हैं एंड वो अचीवमेंट्स की इतनी बात करते हैं, ये किया ऐसे किया वो किया एंड ऑल, कि ऐसा लगता है कि ये एक नॉर्मल इंसान कर ही नहीं सकता, ये बिजनेस एक नॉर्मल इंसान कर ही नहीं सकता, जो कि सच नहीं है। मेरे से ज्यादा नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता कोई। और मुझे लगता है कि आज सिस्टम में अगर मैं यही बात करूं कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि एक नॉर्मल इंसान हूं मैं और नॉर्मल इंसान ही ये बिजनेस कर सकता है, और नॉर्मल इंसान, इनफैक्ट हम सभी नॉर्मल ही हैं, एबनॉर्मल तो आई डोंट नो, एबनॉर्मल होते तो शायद हम ना आप इस जूम पे होते, ना आप मुझे सुन रहे होते, शायद मार्क जुकरबर्ग या स्टीव जॉब्स की तरह आपका नाम हो चुका होता अगर आप एबनॉर्मल, मतलब एबनॉर्मल मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते तो वो हम लोग नहीं है, हम नॉर्मल मैंगो पीपल, वो कहते हैं ना आम आदमी, शायद हम लोग वही हैं। और मैं अगर कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। तो आई डोंट नो आप में से कितने लोग मुझे कितना जानते हो, बट मैं एक बहुत छोटी सी जगह से आता हूं, वहां मेरी पैदाइश है, उस जगह का नाम है देवरिया। इंडिया में उत्तर प्रदेश एक स्टेट है, वहां पे एक छोटी सी जगह है देवरिया, जहां मैं पैदा हुआ, वहां के गांव में मैं पैदा हुआ। ओके, और वहीं से मेरी स्कूलिंग हुई, प्राइमरी तक वहीं तक पढ़ा, एंड आई लॉस्ट माई फादर जब मैं 7th क्लास में था। उसके बाद बाबा और मेरी पूरी ज्वाइंट फैमिली, चाचा जी लोगों ने पूरा मुझे हेल्प किया पढ़ने में, मेरी एजुकेशन पूरी कराने में। सैनिक स्कूल लखनऊ से पढ़ाई करी मैंने, बाबा थे तो इस वजह से शायद, मतलब मैं जानता हूँ, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि मेरे अंदर जो बेसिक DNA है शायद वो मेरे बाबा से, मेरे ग्रैंड फादर से ही आया है, और वो DNA वो ब्लूप्रिंट उन्होंने शायद बचपन से ही बिल्ड किया मेरे अंदर। तो वो जो प्रोसेस था कि पांचवी छठवीं सातवीं क्लास में तैयारी करो, कोचिंग करो और सैनिक स्कूल में एडमिशन लो और देवरिया से बाहर निकलो, यहाँ से जाके बाहर पढ़ो, मैं ये सोचता हूँ कि मेरे बाबा की सोच कितनी बड़ी रही होगी, क्योंकि वो केवल पूरी जिंदगी गांव में रहे। उनके पांच बेटे थे, पांचों बेटों को उन्होंने गांव में नहीं रहने दिया। हम में से कोई भी अगर 5-6 दिन से ज्यादा गांव में रह जाता था तो बाबा बोलते थे कि तुम लोग यहाँ क्यों हो, निकलो यहाँ से, यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने सारे बेटों को, वो खुद गांव में रहे, बट उनकी सोच इतनी बड़ी थी, या मैं बोलूं शायद इतनी दूरदर्शी उनकी सोच थी, कि उन्होंने अपने पांचों बेटों को इस काबिल बनाया कि वो घर से दूर रहे, घर से मतलब वो आगे बढ़े जिंदगी में। तो कोई सेल्स टैक्स कमिश्नर बना, कोई HAL में ऑफिसर बना, कोई डॉक्टर बना, कोई लॉयर बना, कोई, सब लोग कुछ ना कुछ बन गए। तो उनकी वजह से वो जो DNA वो हमेशा मेरे दिमाग में डालते रहे कि हर चीज पॉसिबल है, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। और बचपन से शायद मैंने यही सुना कि ये भी किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है, ऐसे भी हो सकता है, नहीं इसका तरीका ढूंढो, इसका सॉल्यूशन ढूंढो, शायद उसने बहुत हेल्प किया। तो वो छठी सातवीं क्लास से ही, सोचो आप, वो मतलब ये था कि आपको निकलना है, यहां से निकलना है, सैनिक स्कूल में जाना है, जाके अच्छे स्कूल में पढ़ना है और वहीं से अपना करियर बिल्ड करना है। तो सातवीं क्लास में फिर मैं सैनिक स्कूल लखनऊ चला गया था वहां पढ़ाई करने। उसके बाद फिर 12वीं तक वो पढ़ाई करी, NDA में सिलेक्शन नहीं हुआ, थ्योरी क्लियर हो गई, PABT टेस्ट क्लियर हो गया, बट SSB क्लियर नहीं हुआ। दो अटेम्प्ट मैंने दिए, थर्ड अटेम्प्ट मैंने दिया ही नहीं, मुझे लग गया कि शायद मैं नहीं बना हूं इसके लिए। फिर मैंने मेडिकल की तैयारी करनी शुरू की, इस बीच मेरा IHM में सिलेक्शन हो गया था, आई थिंक IHM पूसा रोड, जो भी दिल्ली में जो भी ब्रांच है या जो भी, वहां पे मेरे को मुझे ज्वाइन भी करना था, बट शायद इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि वहां ज्वाइन करना चाहिए, सो नहीं किया, क्योंकि उस जमाने में डॉक्टर या इंजीनियर दो ही चीजें होती थी। और लकली मैं सैनिक स्कूल में था तो मैथ्स और बायो दोनों ही सब्जेक्ट मेरे पास थे। बायो इसलिए ले लिया था कि हिंदी और बायो में चॉइस थी, तो मैंने कहा चलो बायो ले लेता हूँ, प्रैक्टिकल्स के 30 मार्क्स तो मिल जाएंगे मुझे कम से कम,
तो इस लालच में मैंने बायो लिया, और जब 11वीं 12वीं में मैंने मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री देखी तो मैंने कहा कि शायद मैं आईआईटी या इंजीनियरिंग के लिए नहीं, मेडिकल फील्ड के लिए बनाऊं। सो 12वीं के बाद फिर मैंने मेडिकल की तैयारी करनी शुरू की, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, फिर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चला गया, वहाँ बीएससी फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन लिया, और वो बीएससी फर्स्ट ईयर करते करते फिर मेरा सिलेक्शन हो गया सीपीएमपी में। तो उसके थ्रू मुझे पहले बीडीएस मिला था, आई मीन फर्स्ट काउंसलिंग में सुहार्ती मेडिकल कॉलेज नहीं था। आई होप आपको पता होगा कि यूपी में रैंक वाइज आपको मेडिकल कॉलेजेस मिलते हैं, तो बीडीएस मुझे मिला। आई थिंक 6 या 9 महीने मैंने बीडीएस किया, वहीं पे अनिल भाई मिले, डॉक्टर अनिल धवन हु रेफर्ड मी इन द बिजनेस, और वहीं पे वो बॉन्डिंग बनी। और 9 महीने वहां करने के बाद चौथी काउंसलिंग जो हमारी हुई, थर्ड काउंसलिंग आई थिंक, उससे मुझे फिर सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ मिला। एंड थैंक गॉड फ्री सीट मिली। फ्री सीट का मतलब जो मेडिकल कॉलेजेस होते थे उस टाइम पे, अभी का मुझे नहीं पता है, कि 80% सीटें जो होती हैं उसमें गवर्नमेंट डिसाइड करती थी आपकी कितनी फीस होगी, और 15% सीटें ऐसी होती थी जो वो मैनेजमेंट उनका डिसाइड, जो मैनेजमेंट कोटा हम लोग कहते हैं कि वो डिसाइड करेगा, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस को फंड चाहिए होता है अपना हॉस्पिटल, अपना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रन करने के लिए। सो 68,000 मेरी फीस थी, एंड थैंक गॉड चाचा, मुझे अभी भी याद है विजय चाचा ने बोला था कि फ्री सीट होगी तो पॉसिबल है, अगर पेड सीट मिली जो कि मेरे ख्याल से 1,50,000 या समथिंग की थी, कि वो फिर उसकी फीस पे करना मुश्किल होगा। तो थैंक गॉड मुझे फ्री सीट मिल गई। फिर मैंने एमबीबीएस किया, एमबीबीएस करने के बाद फिर मैंने वहीं पे पीजी किया, डीएनबी मेडिसिन कंप्लीट करी, एंड ये सब चल भी रहा था उसी टाइम पे। एमबीबीएस में यशु मिली, अफेयर शुरू हुआ, और वो पहले के सिस्टम में तो मैंने बाकी चीजें बताई थी, बट लेट मी टेल स्टोरी दिस टाइम वो कि और क्या क्या नॉर्मल इंसान लाइफ में कैसे क्या क्या होता है। तो ऑब्वियसली हम लोग फर्स्ट ईयर में मिले, फर्स्ट ईयर से डिसाइड हुआ कि अब साथ रहेंगे। सो एमबीबीएस खत्म करी, एमबीबीएस खत्म करने के बाद हम लोग अपना इंटर्नशिप कर रहे थे। इंटर्नशिप खत्म करने के बाद यशु ने एमडी पैथोलॉजी ज्वाइन कर लिया था, और मैंने डीएनबी मेडिसिन, डिसाइडेड कि चलो वी विल गेट मैरिड। सो घरों में डिसीजंस हुए कि बात, ऑब्वियसली इट वाज इंटरकास्ट मैरिज, और मैं रोडपति, यशु करोड़पति, यशु बहुत अच्छी फैमिली से आती है, एंड सो ऑब्वियसली एक फादर को एक कंसर्न तो रहता ही है कि आई मीन मेरी बेटी जिसके जिससे शादी हो रही है क्या उसको वो सब दे पाएगा जो जो मैंने दिया है एंड ऑल। सो और ये बात मुझे पता थी, तो मुझे अभी भी याद है जब मैंने पहली बार, और ये भी आई मीन ये भी फनी इंसिडेंट है कि मैंने खुद जाके यशु के पापा से बात की थी, और मुझे अभी भी याद है कि मैंने उनसे एक ही चीज बोली थी कि अंकल मुझे पता है कि मेरे पास कुछ नहीं है और घर का एक एक चम्मच मुझे खुद खरीदना है, बट आई नो कि मैं ये कर लूँ, तो आप हम लोगों को शादी करने दीजिए, एंड आई प्रॉमिस यू कि कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आई मीन ऑब्वियसली कि सब कुछ कर लेंगे धीरे धीरे। अभी पीछे मुड़ के सोचता हूं तो मुझे लगता है कि यार कहां से कैसे ये सब आता कहां से था, वो शायद वो सब बाबा का डीएनए था, वो उनका भरा हुआ था कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। मुझे याद है जब हम लोग साथ रहते थे तो यीशु कहती थी कि ये नहीं पॉसिबल है, और मैं ये बोलता था कि How do you know कि ये पॉसिबल नहीं है, she used to say कि 99% नहीं हो सकता। मैंने कहा तुमने फ्यूचर देखा है क्या, अगर तुमने फ्यूचर देखा है then 99% पॉसिबल नहीं है, आई कैन एक्सेप्ट, लेकिन अगर फ्यूचर नहीं देखा है तो 50-50% चांस है। आप में से बहुत से लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि 99% नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कर सकता एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। तो मैं ये सोचता हूँ कि आपको कैसे पता कि ये नहीं हो सकता है। आज की डेट में हर वो चीज जिसको आप कहते हो कि आप 100% कर लोगे उसके भी चांस 50-50 ही है, ऊपर वाला सबको बराबरी का मौका देता है। सो वो शादी हुई, डेट फाइनल हुई, और पहली डेट जो मेरी शादी की फाइनल हुई थी वो थी 10 दिसंबर 2010 आई थिंक। फिर शादी से पहले कुछ लोगों ने इशू क्रिएट किए, फिर वी डिसाइडेड कि हम नहीं करेंगे शादी। 4 दिन पहले हमने कहा कि भाई कि कोई कुछ इश्यूज हो गए हैं तो हम विड्रॉ कर रहे हैं, हम शादी नहीं करेंगे। दोनों घरों में ढेर सारी टेंशन, और ऑब्वियसली हम तो टेंशन हमारी तो क्या था, हम तो फिर वापस एक एक महीने बाद अपने अपने घर से वापस आ गए, और हमने कहा कि चलो ठीक है लेट्स फोकस ऑन आर स्टडीज नाउ, पीजी पे फोकस करते हैं, अपना पीजी कंप्लीट करते हैं, घर वालों की टेंशन जो भी हो। और उसके कुछ दिनों बाद फाइनली ये हुआ कि घर वालों ने ही ये बोलना शुरू कर दिया कि मतलब मेरे घर वालों ने कि भाई तुमको अगर वहीं करनी है तो तुम वहीं पे कर लो। और मेरे फूफा जी हैं,
ही इज द वन हु टुक इनिशिएटिव. फिर उन्होंने यीशु के पापा से दोबारा बात की, थोड़ा बहुत मेरे घर पे उन्होंने बात की, सबको समझाया बताया, और फाइनली फिर वी गॉट मैरिड ऑन 19th जनवरी 2012. सो दैट वाज आल्सो लाइक, वो भी एक 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 बैटल ही था जो जीतना था. आई मीन शायद जिंदगी में जब भी कोई चीज सोची उसको कंप्लीट करके छोड़ा, शायद ये एक डीएनए होना किसी भी इंसान के लिए, अगर उसको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो बहुत जरूरी होता है कि जो सोचा, जो डिसाइड किया, उसके लिए एक क्लैरिटी रखी और हर वो काम किया जिससे वो चीज अचीव करी जा सके. और मुझे याद है जब ये सब चल रहा था ना, तो मेरे दिमाग में कुछ और नहीं चलता था, मुझे यही लगता था. और ऐसा नहीं था कि मैं देवदास की तरह बैठा हुआ था और मैं कोई काम नहीं करता था. मुझे ये बात अच्छी तरीके से पता थी कि अगर मुझे शादी करनी है तो मुझे, वो कहते ना, अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, अपनी एक आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी. और अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए जो मेरा प्रोफेशन था, मुझे उस प्रोफेशन में सक्सेसफुल होना पड़ेगा. और प्रोफेशन में सक्सेसफुल होने के लिए नॉलेज अच्छी होनी चाहिए और एक्टिविटी, एक्शन जो रिक्वायर्ड है वो करना बहुत जरूरी होना चाहिए. तो वो सारा जो जुनून था ना कि शादी करनी है, तो शादी करनी है ये सोच करके बैठे नहीं थे, दोस्तों के साथ गप्पे नहीं मारे. फिर वो उस जुनून को कन्वर्ट किया कि पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, रात रात भर जगे हुए हैं, पेशेंट्स देख रहे हैं तो पेशेंट्स देख रहे हैं, कोई ना भूख ना कोई नींद की टेंशन. जब भूख लगी तो खाना खा लिया, जब नींद आई तो सो लिए, लेकिन लगे रहे क्योंकि वही था, उसी वो प्रोफेशन ही मुझे ये वहां पे लेके जा सकता था, एक ऐसी स्टेज पे पहुंचा सकता था जहां से वो एक कॉन्फिडेंस मेरे अंदर भी आता और शायद यीशु के पापा के अंदर भी वो कॉन्फिडेंस आता कि हाँ लड़का सही है, सही जगह पे है, या यीशु के अंदर भी आता कि नहीं ठीक है, हम लोग साथ मिलके वी कैन डू बेटर. सो और मैंने देखा है, यूजुअली लोग गोल डिसाइड करते हैं, फ्यूचर डिसाइड करते हैं, और मैं मजाक में बात बोलता हूं कि भाई आप लोग ना बातें करते हो, बातें करके अच्छा अच्छा फील करते हो, फिर जाके सो जाते हो, बट आप उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं करते. मैंने बहुत से लोगों को देखा है, उनके पास मेरे से कहीं ज्यादा बेहतर स्ट्रेटजीज रही हैं लाइफ में भी और इस बिजनेस में भी, बहुत कुछ, मतलब मुझसे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट, मुझसे कहीं ज्यादा नॉलेजेबल, मुझसे कहीं बेहतर बैकग्राउंड, मुझसे कहीं बेहतर सराउंडिंग, मुझसे कहीं बेहतर स्ट्रेटजी. बट एक चीज जो मिसिंग थी वो ये कि कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं किया उसको. वो अच्छी अच्छी बातें की, बड़ी बड़ी बातें की, एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखा, मतलब मैं उन लोगों की भी बात कर रहा हूँ जो लोग लव मैरिज करते हैं, वो शायद वो फील गुड फैक्टर वो फील करके बस वो सो जाते थे और कोई काम नहीं, बट एक्शन में कन्वर्ट नहीं किया. और मेरा, जैसे मैं अभी वैलेंटाइंस डे पे मैं किसी से तो बात कर रहा था, मैं कह रहा था यार जितने लोगों ने टेडी बियर बांटे हैं ना, मेरे को जरा डाउट होता है कि वो जिंदगी भर कुछ कर पाएंगे या करेंगे क्या, क्योंकि मैं बहुत बिलीव नहीं करता हूँ टेडी बियर एंड बुके में. आई बिलीव इन कि हर रोज कुछ ऐसा करो कि हर रोज वैलेंटाइंस डे हो, हर रोज होली दीपावली, जैसे मैंने शुरू में भी बोला, एवरी डे शुड बी अ सेलिब्रेशन. सो मैं थोड़ा सा उस किस्म का इंसान हूं कि जो रिक्वायरमेंट है, जो जिंदगी की जरूरतें हैं, उसको पूरा करना ही मेरे लिए सेलिब्रेशन है. उसको पूरा करना और उस पूरे करने की क्वालिटी को अपग्रेड करते रहना ही मेरे लिए सेलिब्रेशन, वही मेरा होली दीपावली, जो भी आप कह लो, जो भी फेस्टिवल, जो भी वैलेंटाइंस डे, जो भी वो पता नहीं कौन कौन से डे होते हैं, वो मेरे लिए शायद वही है. दैट इज व्हाट मेरी जिंदगी का शायद, वो मेरे लिए वो शायद सबसे बड़ा किक है. ओके, सो स्कूलिंग हुई, पीजी हुई, सब कुछ हुआ, शादी भी हो गई, एंड देन दिस बिजनेस केम इनटू आवर लाइफ. मुझे याद है 19 जनवरी 2012 को शादी हुई थी और 26 जनवरी या 27 जनवरी को मैंने प्लान देखा था, ओनिल भाई ने प्लान दिखाया था और मैं प्लान में रिजेक्ट हो गया था. आई होप आप सभी लोगों को पता है कि जब भी हम कभी प्लान दिखाते हैं तो हम बात करते हैं कि भाई आप सीखने को तैयार हो ना, आप टाइम देने को तैयार हो ना, ओके, और आपको कोई इंडस्ट्री से इशू तो नहीं है, डिसीजन मेकर आप खुद हो ना, अगर डिसीजन मेकर आपके घर में कोई और है, मम्मी पापा भाई बहन वाइफ हस्बैंड, तो प्लीज आप उनके साथ बैठ करके प्लान देखो. एंड आखिरी कि भाई बिजनेस है तो पैसा खर्चा होगा, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये कोई स्कीम नहीं है कि आप पैसे डाल दो एंड डबल एंड ऑल कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, नो रॉन्ग कमिटमेंट. सो जब ये 5 सवाल मुझसे पूछे गए तो सब कुछ सेट था, बट पैसे नहीं थे. और पैसे नहीं थे, ऑब्वियसली पैसे कहाँ से होते, उस टाइम पे कितनी सैलरी थी और
क्या सोचा था, अभी तो करियर शुरू करने की कोशिश कर रहे थे कि चलो ठीक है, और जो पैसे मिलते थे सीनियर रेजिडेंसी में उससे घर चल जाता था तो वही बहुत था, और कार ली थी क्योंकि अब शादी के बाद यशु एमडी मेडिसिन कर रही है, मैं डीएनबी मेडिसिन कर रहा हूँ, तो कम से कम थोड़ी इज्जत तो होनी चाहिए ना कि मोटरसाइकिल पे नहीं घूमेंगे, तो कार ली थी, उसकी ईएमआई जाना, फिर एक फ्लैट लिया था वहां का घर, बहुत कुछ मुझे याद है 35,000 मेरी सैलरी थी, 32,000 मुझे मिलते थे समथिंग, वो टीडीएस वीडियस कट कटा के, एंड उससे सब कुछ चलता था और कुछ बचता नहीं था, और फिर धीरे धीरे, और उसी टाइम पे ये बिजनेस आया तो आई वॉज रिजेक्टेड कि जब नहीं है पैसे तो नहीं करते हैं, फिर मुझसे पूछा कि कितना टाइम लगेगा पैसे अरेंज करने में, मैंने कहा यार मतलब 3 लाख रुपए तो इट विल टेक टाइम, 6 महीने 9 महीने लग सकते हैं मुझे, एंड आई वॉज लाइक कि यार फिर तो जो प्लान दिखा रही थी अंजू, मुझे अभी भी याद है, उन्होंने बोला कि ठीक है ब्रिजेश जब पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तब बात करेंगे क्योंकि अभी बात करने का कोई फायदा नहीं है। आई वॉज लाइक कि यार बात तो सही कह रही है, पैसे नहीं है तो अभी बात करके क्या फायदा, बट ओनील भाई ने बोला एंड स्मार्टनेस, आई ऑलवेज फील कि अगर ओनील भाई नहीं होते ना तो शायद मुझे इस बिजनेस में कोई और साइन अप भी नहीं कर पाता, एंड ही वॉज लाइक कि एंड ही न्यू इट कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे मैंने शादी में भी, मेरा एक दोस्त है नीरज, उससे मैंने 50,000 रुपए मांगे थे कि भाई दे दे पैसे, कहीं कुछ हो गया ना ऊंच नीच तो मेरी जेब में पैसे नहीं है तो मैं क्या करूंगा। सो आई स्टिल रिमेम्बर 50,000 रुपीज मेरी जेब में थे जब मैं पूरे टाइम में शादी में था और नीरज ने मुझे पैसे उधार दिए हुए थे, और ओनील ही न्यू इट कि कुछ नहीं है, ही डजंट हैव मनी, लोन एंड ऑल, कार वार सब कुछ, बट इन स्पाइट ऑफ दैट ये जानते हुए कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे ऊपर बहुत से लोन है, जानते हुए ही इन्वाइटेड मी फॉर द प्लान, एंड आई गॉट रिजेक्टेड इन द प्लान ऑल्सो, सो उनको सब पता था, एंड देन ही वॉज लाइक कि ठीक है अगर पैसे नहीं है, अगर तुम करना चाहते हो तो बताओ, क्योंकि अगर इतनी मेहनत करके 10 साल पढ़ाई करके भी अगर पैसे नहीं है तो सोचो जिंदगी में कहाँ हो, एंड इट वॉज एन आई ओपनर कि हाँ बात तो सही है यार कि अगर 10 साल से पढ़ाई कर रहे हैं और अभी इतने भी पैसे नहीं है और लोन मिलने का भी कोई चांस नहीं है तो फिर तो कुछ सोचना चाहिए, और बहुत से लोग इस पे गिव अप मार देते हैं, बट मैंने नहीं मारा शायद, और फिर मैंने आई टुक अ लोन, और मुझे याद है कि नॉर्मली लोन 11-12-13% में मिलता था, मुझे 17-21% में मिला था, फुलेट्रॉन ने दिया था मुझे लोन, एंड आई वॉज लाइक कि ठीक है यार 1 लाख रुपए पे 4-5 हजार रुपए ही तो एक्स्ट्रा देने हैं साल के, और 2 लाख रुपए पे अगर मुझे 10,000 रुपए भी एक्स्ट्रा देने हैं साल के तो लगभग 900 रुपए महीने के होते हैं, चलो दो फिल्में नहीं देखूंगा, 1-2 बार मॉल में नहीं जाऊंगा, कुछ ऐसे कट कर लूंगा, बट ये अपॉर्चुनिटी नहीं वेस्ट करनी, इसको मैं पकड़ लेता हूँ इसको। सो वहां से फिर बिजनेस की शुरुआत हुई, एंड उसके बाद इतना तो मुझे समझ में आ गया कि बिजनेस में, बिजनेस क्या है, बिजनेस इज ऑल अबाउट बिल्डिंग अ कस्टमर बेस, और लोगों के साथ काम करना है या लोगों को बिल्ड करना है या लोगों को, बट वो कॉन्सेप्ट ना थोड़ा कच्चा था, वो बहुत क्लियर नहीं हो रहा था उस टाइम तक ना, मेरा जो प्राइमरी फोकस था वो मेरा प्रोफेशन ही था, डॉक्टरी ही था, बहुत मुश्किल था वो चेंज होना कि मैंने जिस चीज के लिए 10 साल पढ़ाई की है वो उसको मैं चेंज करके सेकेंडरी में मैं इसको सेकेंडरी बना दूं और फिर मैं इस पे फोकस करूं, ये बहुत मुश्किल था, बट ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बट इट टुक अराउंड 7-8 मंथ्स, जब तक मैं वीकॉन नहीं गया तब तक ये कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले बिकॉज मैं बिजनेस में था और मुझे था कि अगर इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो उन लोगों को फॉलो करता रहूं जो सक्सेसफुल हैं, तो वो जो बोलते रहे मैं करता रहा, ऐसा कोई काम नहीं था जो मैंने रोका, हाँ ठीक है अंदर से अभी आवाज नहीं आ रही थी बट मैंने कोई काम रोका नहीं, उन्होंने बोला कि हॉट साइनअप्स करने, मैंने बोला हाँ करने हैं तो करने हैं, अब हॉट साइनअप्स, और वो बात समझ में आ गई थी कि हॉट साइनअप का मतलब होता है कि मैं जो ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने जा रहा हूं उसकी टॉप पोजिशन, हॉट साइनअप का मतलब ये नहीं कि मेरा भाई बहन या मेरा दोस्त या मेरी हस्बैंड वाइफ वो भी मेरे साथ साइनअप होकर बिजनेस करेंगे, नो इट इज नॉट लाइक दैट, ये नहीं था हॉट साइनअप का कॉन्सेप्ट। आई होप आप जितने लोग सिस्टम अभी अटेंड कर रहे हो आप लोग अपनी अपनी फैमिली के साथ बैठे होंगे और वो लोग ये बात सुन रहे होंगे कि हॉट साइनअप का पोजिशन ये नहीं, मतलब ये नहीं होता है कि वो बिजनेस करें, हॉट साइनअप का पोजिशन का मतलब ये होता है कि आप उनको पोजिशन दे दो ताकि जो बिजनेस वो आप बिल्ड करो या जो बिजनेस मैंने बिल्ड किया उसका बेनिफिट एक न एक दिन उनको मिले, क्योंकि लेफ्ट राइट है, आप समझते हो फाइनेंशियल्स, आप बिजनेस का स्ट्रक्चर समझते हो,
तो वो टर्नओवर उनके बिजनेस में ऐड होता रहे, दैट वॉज मोर इम्पोर्टेंट, दैट इंटेंट वॉज मोर इम्पोर्टेंट. एंड आप सोचो, बड़ी मुश्किल से तो मैंने अपना लोन लेके बिजनेस शुरू किया था, और जब ये बात हुई तो मैंने अप्लायंस को बोला कि यार एक बात बताओ, आप पहले बता देते मैं ज्यादा लोन ले लेता. और ये तो मैं अप्लायंस को बोल रहा हूँ, बट अंदर क्या बोल रहा हूँ कि पहले मेरे साइनअप से पैसा कमाया इन्होंने, अब मेरे से हॉट साइनअप करवा के उससे भी पैसा कमाएंगे. दैट्स हाउ इट वर्क्स ना. हम जब जिस माहौल से निकल के आते हैं, ऐसे माहौल में अगर हमको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से गाइड करने की, हेल्प करने की कोशिश करे, तो हम उसको शक की निगाह से ही देखते हैं. आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा, जितने लोग नए होंगे, जितना ही आपका अपलाइन आपको कॉल कर रहा होगा या जितना ही वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहा होगा, उतना ही डाउट आपके मन में आ रहा होगा कि क्यों ऐसा, मे बी मेरे पैसे से पैसा कमाना हो, समथिंग लाइक दैट. तो मैं भी आप ही की तरह था जैसे आप. बट वो समझ में आया कि उनको ऊपर की पोजीशन देनी चाहिए. एंड अभी भी याद है मुझे, यशु का साइनअप में हम लोगों ने किया था, जो शादी में एनवेलप में पैसे मिलते हैं ना, तो वो पैसे इकट्ठा हुए थे और यशु की मम्मी ने वो पैसे यशु को दे दिए थे कि रख लो, कभी काम आएंगे, जरूरत पड़ने पे काम आएंगे. मैंने यशु को बोला अब इससे ज्यादा जरूरत क्या पड़ सकती है. एंड देन वी डिसाइडेड एंड यशु टुक द टॉप पोजीशन. एंड ऑब्वियसली शुरू के 3-4-5 महीने शायद यशु का एमडी का फाइनल का एग्जाम था, तो शी वॉज नॉट एक्टिव, बट मैं कुछ ना कुछ थोड़ा 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 काम कर रहा था. तो यशु साइन अप हुई, फिर था कि भाई और किसी को साइन अप करें. तो ऐसे टाइम पे मुझे समझ में आता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट दोस्त होता है, ऑब्वियसली आप उसी से बात करते हो. मैंने देखा है कि लोग यूजुअली ये गलती करते हैं कि सबसे पहले अपने सबसे ज्यादा क्लोज फ्रेंड से बात करते हैं और ठीक से समझा नहीं पाते या ठीक से बता नहीं पाते, और वो लोग साइन अप नहीं करते हैं. और इस प्रोसेस में जो आपका सबसे नियर एंड डियर फ्रेंड होता है ना, या सबसे नियर एंड डियर रिलेटिव होते हैं, वो छूट जाते हैं. तो मैंने अपार से बात की. अपार को आई होप आप लोग जानते ही होंगे. एंड मैं और अपार, हम लोग सुभारती में, अपार बीडीएस करके एमबीएस कर रहा था, मैं एमबीबीएस करके डीएनबी कर रहा था, और टीवी रूम, अगर ये टीवी रूम है तो इधर अपार रहता था, इधर मैं रहता था, और हम दोनों क्रिकेट के और सचिन तेंदुलकर के सुपर फैन. तो हम लोग मैच देखना शुरू करते थे जब से प्रेजेंट, वो जो शुरू में प्री मैच जो प्रोग्राम होता है ना, वहां से शुरू करते थे, और जब तक वो छोड़ के नहीं चले आते थे प्रेजेंटेशन सेरेमनी एंड ऑल खत्म करके, तब तक हम उस टीवी रूम में बैठे रहते थे. वहां से हम लोग की बॉन्डिंग होनी शुरू हुई, और धीरे धीरे ये बॉन्डिंग हो गई कि अपार तुम डेंटल क्लिनिक खोलना, तो मैं वहां डायबिटीज के पेशेंट्स देख लिया करूंगा, या जो लोग भी आएंगे बीपी के उनको पेशेंट्स उनके उनको मैं देख लिया करूंगा, तुम मुझे कॉल करना. तो वो बिजनेस आइडियाज वहीं से प्लग इन होने लगे थे. एंड फिर जब ये बिजनेस मिला तो मैं सबसे पहले अपार के ही पास गया, और अपार से मैंने एक ही बात की थी. उस समय मुझे भी बिजनेस बहुत अच्छे से नहीं पता था, प्लान से हटा रिजेक्ट हो गया था, कहां से कुछ समझ में आएगा. और बट मैंने अपना साइन अप कर लिया था, और अपार को मैंने ये बोला कि भाई एक बहुत सुपर बिजनेस मिला है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जानता, बट अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो तो इतना पैसा मेरे नाम पे समझो कि तुम गंवा रहे हो, भूल जाओ कि वो पैसा तुम डाल रहे हो. और अगर दोनों भाई ने मिलके किया और चल गया तब तो उड़ा देंगे, और नहीं चला तो ये समझ लेना कि मेरे नाम पे इतने पैसे तुमने दान कर दिए तुमने. एंड अपार वाज लाइक कि ठीक है, एक शर्त पे करूंगा ये काम, तुम घर पे मेरे घर पे किसी को कुछ नहीं बताओगे, मतलब अर्पित वाइफ उसको कहीं कुछ नहीं बताओगे. एंड आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है, क्या प्रॉब्लम. फिर अपार ने कहीं से पैसे अरेंज किए एंड ही साइन अप. और जब अपार ने साइन अप किया तो मैं अपार के साथ प्लान में बैठा, अपार के फाइनेंशियल में बैठा, तो मुझे समझ में आया कि ये बिजनेस में ये और कितना पावरफुल है. ओके और जब अपार का फाइनेंशियल हो रहा था ना, तो अपार के फाइनेंशियल की पेपर लेके, नहीं अपार के फाइनेंशियल में नहीं, अपने फाइनेंशियल अपार के फाइनेंशियल में तो मैं बैठा, बट जो मेरे अपने फाइनेंशियल के पेपर्स थे, वो फाइनेंशियल के पेपर्स लेके मैं अपने घर गया था. और उस फाइनेंशियल को मैंने देखा कि यार साइन अप तो हम 5 UV से कर रहे हैं, 7 UV से कर रहे हैं, कैलकुलेशन 1 UV से दिखा रहे हैं, ये तो हमको कम बता रहे हैं. फाइनेंशियल देखते हो या नॉर्मल लोग फाइनेंशियल देखते हो तो उनको लगता है ना कि ये कैसे पॉसिबल है, 99.75% फेलियर रेट पे ये कैसे पॉसिबल है. एंड आई वाज लाइक कि यार ये तो 1 UV पे दिखा रहे हैं, हम तो ज्यादा यूवी से साइन अप करते हैं, इस बिजनेस का पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है. और मैंने अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके मैंने अपार को एक पेपर दिया. एंड अपार, मुझे जहां तक याद है, वही पेपर लेके मम्मी पापा एंड अर्पित के साथ बैठा था, और अर्पित ने फिर वो गूगल एंड ऑल सब बात करी थी, बट फाइनली दे ऑल साइंड अप एंड एवरीथिंग हैपेंड बिकॉज अपार वो सो कन्विंस्ड कि नहीं, अगर 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 मतलब ही ट्रस्टेड मी सो मच कि अगर तुम कर रहे हो तो सही है,
एंड देन ही वाज लाइक उसका वो ट्रस्ट इतना स्ट्रांग था कि मम्मी पापा अर्पित भी कोई उसको रोक नहीं पाया एंड दे ऑल जस्ट केम अलोंग कि चलो ठीक है तुम कह रहे हो तो शुरू करते हैं चलो ठीक है अब जाएगा तो पैसा जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये थी मुझे अभी भी याद है कि पैसा जाएगा कहाँ कहाँ जा रहा है इसमें तो मिल रहा है ना मुझे कुछ। उस टाइम पे मैंने हॉलीडे खरीदा था क्यूवीआई खरीदा था शादी हुई थी अपार की 16 जनवरी मेरी 19 जनवरी तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि यार वर्स्ट टू वर्स्ट केस क्या होगा अपना हॉलीडे यूज कर लेंगे वर्स्ट टू वर्स्ट केस यही होगा ना कि हनीमून मनाले चले जाएंगे तो ठीक है एटलीस्ट होटल का पैसा तो हमारा सेव हो गया ना उतनी तो सेविंग है ही है। तो हमने वो कहते हैं ना कि बुरा से बुरा क्या हो सकता है ये सोच करके हमने अपना काम शुरू किया। अपार साइन अप हुआ यशु साइन अप हुई फिर मेरा एक और दोस्त है नीरज जिसने मुझे पैसे दिए थे 50,000 शादी में फिर मैंने उससे बात की और आई वॉज लाइक यार ऐसा दोस्त जिसने मुझे इतने मुश्किल वक्त में सपोर्ट किया इसको मैं कैसे छोड़ दूं क्योंकि बिजनेस की समझ अब आने लगी थी वेलकम हो गया था फाइनेंशियल 2-3 बार हो गया था तो समझ में आने लगा था कि ऊपर की टॉप पोजीशंस कितनी इंपॉर्टेंट है और मैंने कहा यार ऐसे दोस्त को कैसे छोड़ दूं। फिर मैंने नीरज को बोला कि नीरज तू ना तो पैसे मैं तुमको बाद में दूंगा उसको मैंने ये नहीं बोला कि उसके पैसे मैंने बोला तुमको बाद में दूंगा मैं एंड देन आई अरेंज सम मनी एंड अगेन आई साइंड अप नीरज ऑल्सो एंड आज भी वो पोजीशन है मतलब आप में से मैं ये बोल सकता हूँ कि 70% लोग आप जो लोग सुन रहे हो उसके डाउनलाइंस है 70% लोग क्योंकि ऑब्वियसली 60% लोग डाउनलाइंस है उसके एंड ही इज इन लंडन ही इज डूइंग गुड इन हिज जॉब और अभी भी उसने बिजनेस शुरू नहीं किया और आज भी अपना काउंटर देखता है वो कि हाँ एक साइड कम से कम 2,000-3,000 इतने यूवीज हो रहे हैं हर हफ्ते एंड अभी भी मैं उसको यही बोलता हूँ कोई बात नहीं भाई तू नहीं कर रहा है दैट इज ओके मैंने इसलिए किया ही नहीं था तुमको साइन अप इसलिए तुमको किया ही नहीं था साइन अप कि तुम बिजनेस करो मैंने तुमको इसलिए साइन अप किया था कि ये एक बिजनेस ऐसा रहेगा कि खुदा ना खास्ता कभी कुछ हो गया हाफ मैंने बिल्ड कर रखा है दूसरी तरफ आओगे हर साइन अप पे यू विल स्टार्ट मेकिंग हाफ को तुमको करना रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं था कि मैं इसी इंटेंट से साइन अप कर रहा था कि इसके आते ही मेरे पैसे बने या ये मेरे लिए काम करने लगे ये इंटेंट कभी नहीं रहा मेरा किसी को भी साइन अप करने की। तो नीरज को भी साइन अप करने का पर्पस यही था कि भाई ठीक है अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है एंड नीरज की भी लाइफ में एक फेज ऐसा था जब वो डिप्रेशन में था एंड उसकी वाइफ नुसरत शी वाज सो वरीड कि क्या करें ब्रजेश एंड एट दैट टाइम ऑल्सो मुझे यही था कि ठीक है कोई बात नहीं अगर ऐसी जरूरत पड़ेगी तो वी विल स्टार्ट बिल्डिंग हिज बिजनेस बट थैंक गॉड सब कुछ अच्छा रहा एंड ही इज इन लंडन तब तो वही सेटल्ड है वो और अभी भी मैं लंडन जाता हूँ तो उससे जरूर मिलता हूँ और ये बात जरूर होती है कि भाई बिजनेस हाँ भाई ठीक है इसको रहने दो अब तो मैं नीरज को ये बोलता हूँ कि चलो तुमने नहीं किया तुम्हारा बेटा करेगा कोई बात नहीं बट ये टीसी ये पोजीशन रहेगी ये कहीं नहीं जाएगी क्योंकि इसकी शुरुआत इस वजह से करी गई थी। फिर नीरज साइन अप हुआ नीरज के बाद फैमिली में बहुत लोग साइन अप हुए मेरी सिस्टर साइन अप हुई जिया जी साइन अप हुए भाभी साइन अप हुई चाचा जी के बेटे सारे साइन अप हुए मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी को भी छोड़ा कोई भी ऐसी फैमिली नहीं है चाहे वो यीशु के साइड से चाहे मेरी साइड से जैसे मैंने किसी को छोड़ा और क्लियर था कि इसलिए नहीं साइन अप कर रहा हूँ कि इनके काम करने से मेरा पैसा बनेगा या इनके साइन अप से पैसा बनेगा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर था कि इनको इसलिए साइन अप कर रहा हूँ कि मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ फ्रेंड एज अ ब्रदर एज अ सिस्टर एज अ फैमिली मैन एटलीस्ट इनको वो पोजिशन मैं दे दूं और मैं उसके नीचे फिर अपना काम शुरू करूंगा फिर मैं प्लान दिखा के और बाकी लोगों को साइन अप करना शुरू करूंगा और फिर जो लोग साइन अप होते रहेंगे तो एटलीस्ट इनका भी बिल्ड होता रहेगा जो मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि हमको हमेशा बिजनेस में ये सिखाया गया है कि कभी किसी का दोनों साइड नहीं चलाने का उसको सपोर्ट कर सकते हो एक साइड में तो सपोर्ट मिलता ही है किसी और की मेहनत से कमाया हुआ पैसा फलता नहीं है ये आपको भी पता है डॉक्टर अगर फ्री इलाज करे तो नहीं इलाज वो ट्रीटमेंट लगता नहीं है ये बिल्कुल वैसा ही है। तो हमको पहले दिन से ये समझाया गया कि किसी को भी आप बिजनेस में हेल्प करो तो उसकी एक साइड हेल्प करते रहो दूसरी साइड उसको खुद मेहनत करते। तो आप में से बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि यार काश मेरा अपलाइन दोनों साइड चला दे प्लीज ये गलत थॉट है। आप सोचो ना आप क्या भगवान से क्या कह रहे हो कि मैं घर आराम से पैसा कमाऊं आप भी जानते हो आराम का पैसा आराम से कमाया हुआ पैसा फ्री का पैसा कमाया हुआ फलता नहीं है वो किसी न किसी और तरीके से वो ऊपर वाला वसूल कर लेगा। मेहनत करते हैं ना अपलाइन के साथ मेहनत करो ना ऐसा क्या मुश्किल है अपनी मेहनत से कमाओ कल को आप खड़े होकर बोल सकते हो कि जो मैंने बिल्ड किया वो मैंने अपने दम पे बिल्ड किया है अपनी मेहनत से बिल्ड किया है। तो बी अ मैन बी दैट डेवलप दैट काइंड ऑफ
दैट कैरेक्टर की भाई मेहनत करनी है, खुद से करनी है, ऐसा क्या है? ओके, अप्लाइंग भी कोई साइन अप करेगा तो भी वही प्रोसेस होगा, मैं साइन अप कर देता हूँ. ओके, सो फैमिली में आई थिंक पता नहीं कितने हॉट साइनअप्स, 30-40 कितने हॉट साइनअप्स है मुझे नंबर भी नहीं पता, बट बहुत हॉट साइनअप्स, सब लोग प्लेस्ड हैं, वेल प्लेस्ड. उसके बाद फिर धीरे धीरे जब बिजनेस में आगे बढ़ा तो ये समझ में आया कि अब इसके आगे कैसे साइन अप करना चाहिए. तो वेलकम बार बार मैं अटेंड करता था और वेलकम में बार बार हमको समझाते थे नेमलिस्ट बनाओ. और नेमलिस्ट बनाते समय एक निमोनिक देते थे, फ्रेंड्स का एक निमोनिक देते थे, एफ फ्रेंड्स में FRIENDS होते हैं ना स्पेलिंग, तो फ्रेंड्स में एफ होता है फैमिली, आर से होता है रिलेटिव्स, आई से होता है इंस्टीट्यूट, ई से होता है एजुकेशन, एन से होता है नेबर्स, बी से होता है डॉक्टर्स, एस से होता है सोशल. तो ऐसे जब समझाते थे ना तो वो पूरी पिक्चर मेरे दिमाग में बनती थी. अब फैमिली मैंने देख लिया कि हाँ फैमिली में कौन कौन लोग हॉट साइन अप हो सकते हैं, फैमिली टिक. फैमिली के बाद रिलेटिव्स में कौन कौन से लोग दूर के हैं, जैसे भाई के भाभी के भैया थे या मेरी सिस्टर के ब्रदर इन लॉ थे, कई लोग, उन लोगों तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, उनको हम कैसे साइन अप कर सकते हैं, उनको हम प्लान कैसे दिखा सकते हैं, फिर उनको उनकी एक कैटेगरी बनाई. फिर इंस्टीट्यूट्स पे मैं गया कि इंस्टीट्यूट्स, फिर मैंने अपनी एक कैटेगरी बनाई कि मैंने नर्सरी से प्राइमरी स्कूल की एक पढ़ाई की थी. तो आज की डेट में आप देखो ना सोशल मीडिया की तब, और उसी इस ये जो प्रोसेस हो रहा था इस टाइम पे, फिर मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हुआ, मैंने फेसबुक पे प्रोफाइल बनाया. उससे पहले तक मेरा एक काम पढ़ाई करना, पेशेंट देखना, बात भी करना नहीं किसी से, क्योंकि मैं अपना एक मिनट भी वेस्ट नहीं करूंगा. क्यों? क्योंकि दिमाग में वो पिक्चर क्लियर थी कि भाई वो सेल्फ, वो खुद के पैरों पे खड़े होना है, अदरवाइज वो यशु के डैड या कैसा रहेगा. फिर वो खुद को प्रूव करने की जिद थी कि जिंदगी में कुछ बनना है, वहां पहुंचना है, वो अचीव करना है. तो एक सेकंड में मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता. बट जब ये बिजनेस आया तो फेसबुक प्रोफाइल बनाया, फेसबुक प्रोफाइल पे ढूंढना शुरू किया मेरे नर्सरी वाले दोस्त कहाँ हैं, प्राइमरी स्कूल वाले दोस्त कहाँ हैं. फिर वो एक कैटेगरी बनी, फिर दूसरी कैटेगरी बनी सैनिक स्कूल की, सातवीं क्लास से बारहवीं क्लास की सैनिक स्कूल की कैटेगरी बनी. फिर तीसरी कैटेगरी बनी कि सैनिक स्कूल के बाद मैं जहाँ कोचिंग करने गया और उसके बाद जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गया वो एक कैटेगरी बनी. उसके बाद फिर मैं BDS करने गया, वहां पे 9 महीने में रहा, वो एक कैटेगरी बनी. BDS करने के बाद MBBS करने गया, MBBS किया तो वहां एक कैटेगरी बनी. फिर PG करते हुए एक कैटेगरी बनी. PG करने के बाद ऑब्वियसली मैं बिजनेस में ही आ गया था, वहीं पे एसआरशिप कर रहा था, फिर बिजनेस में आ गया था. और हर कैटेगरी को बना करके फिर मैंने लोगों से बात करना शुरू किया. और कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि ये कॉन्सेप्ट मेरा पहले दिन से, थैंक गॉड अप्लायंस की हेल्प से ये क्लियर हो गया था कि मुझे ये नहीं सोचना है, या जानबूझ के अपने थॉट्स को बोलता था कि ये नहीं सोचना है कि इसके साइनअप से मेरा पैसा बने, ये सोचना है कि इसके साइनअप, इस इंसान ने अगर साइनअप किया तो ये बिजनेस उसकी जिंदगी में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता है, ये बिजनेस कैसे उसकी जिंदगी बदल सकता है. तो मुझे अभी भी याद है प्राइमरी स्कूल में मेरा जो दोस्त था, सबसे अच्छा दोस्त मेरा प्रवीण शाही, मैंने उसको प्लान दिखाया 2015 में, ही गॉट साइंड अप ऑल्सो, एंड साइन अप के विद इन 2-3 डेज he expired in a road traffic accident. मुझे अच्छी तरह याद है, लखनऊ में मैंने उसको प्लान दिखाया, उसने डिटेल्स दी, हमने उसको रजिस्टर किया. रात में लखनऊ में वापस भी आ रहा था, कानपुर में उसको ड्रॉप किया, और 2 दिन बाद पेपर में न्यूज आती है कि कानपुर में किस सांड ने उसको मार, उसकी बाइक में टक्कर मार दी, एंड ही फेल डाउन एंड हेड इंजरी एंड ही एक्सपायर्ड. फिर दूसरा दोस्त मेरा जो प्राइमरी स्कूल का हमारा, उसी में साइन अप हुआ, संदेश साइन अप किया मैंने 2017 में, आई थिंक साइन अप किया था 16 में, आई थिंक 2017 में साइन अप किया था. तो ये कैटेगरी से मैंने नाम निकाले, उस पर वर्क किया. और ये मैं बात कर रहा हूँ, देखो 2012-13 में मैंने ये सारे फेसबुक पे गया, ये कैटेगरीज बनाई, और साइन अप कभी कोई 2015 में हुआ है, कोई 2017 में हुआ है, मतलब काम मैंने बहुत पहले से शुरू कर दिया था. फिर ऑब्वियसली प्राइमरी स्कूल के बाद मैं जब मैं देखता हूँ तो सैनिक स्कूल में, तो सैनिक स्कूल में आप लोग जानते ही हो उदय साइंड अप है, राजीव साइंड अप है. उदय से मैं मिला था 2015 में, सॉरी 2014 में मैं मिला, 1998 के बाद 1998 में मिला था मैं उदय को,
और उसके बाद 2014 में मैं मिला उसको, 16 साल के बाद में मिला था उसको, और सिर्फ इस बिजनेस की वजह से मिला था। और मुझे याद है 1998 में जब मुझे मेडिकल की कोचिंग करनी थी, तो मैं आकाश इंस्टीट्यूट से सब पता करके दिल्ली से लौट रहा था, लखनऊ में रुका, उदय के ही पास रुका, तो उदय वो किसी यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष से लिखवा के लाया था फी कंसेशन के लिए, तो मैं भी साथ में गया, तो मुझे भी एसकेडी सिंह कोचिंग एकेडमी है लखनऊ में, बहुत से लोग आप लोग जानते होंगे, फिर वो वहां मेरे को भी थोड़ा कंसेशन मिल गया, 10,000 की फीस 6,000 में हो गई, तो मैंने वही एडमिशन ले लिया। तो उदय ने मॉर्निंग बैच लिया था, मैंने इवनिंग बैच लिया था, उदय सुबह जग नहीं पाया इसलिए इंजीनियर बन गया, डॉक्टर नहीं बना, और मैं शाम को जग गया, थोड़ी पढ़ाई कर ली तो मैं डॉक्टर बन गया, बट उस कोचिंग में एडमिशन कराने वाला वही था। एंड 16 साल बाद में मिला हूं उससे, मेरा सैनिक स्कूल का पहला जो दोस्त जो साइन अप है इज उदय, सो 16 साल बाद में उससे मिला हूं, एंड उदय इज सेइंग कि क्या करते हो, मुझे बता दो बिजनेस, समझा दो मुझे बिजनेस, एंड आई वाज लाइक कि भाई पहले मिल तो लो, जान तो लो हम हैं कहां आज। एंड आई मेट हिम एंड आफ्टर फ्यू डेज आई साइन हिम अप। मेरे ख्याल से एक महीने तक हम लोग मिलते रहे, बीच बीच में वो गुड़गांव में वो जॉब वॉब करता रहता था, और हम लोग गुड़गांव उस समय ट्रेवल करते थे तो शाम को मिलता रहता था, एंड फिर फाइनली ही साइन अप। फिर राजीव ने साइन अप किया, हमारा सैनिक स्कूल का ही जो दूसरा दोस्त। उदय से पहले मैंने राजीव को फोन किया था, मुझे अच्छी तरह याद है, राजीव को मैंने हॉट कॉल की थी कि राजीव पैसे ट्रांसफर कर दे, मैंने कुछ बड़ा काम शुरू किया है, साथ मिलके करेंगे। एंड राजीव वॉज लिटिल बिट, उसके घर पे कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी, कुछ फैमिली इश्यूज हो गए थे, तो उस टाइम पे राजीव नहीं कर पाया, बट फाइनली जब उदय साइन अप हुआ तो राजीव साइन अप हुआ सैनिक स्कूल में। फिर और सर्वजीत साइन अप हुआ, मनीष साइन अप हुआ, मनीष सिंह साइन अप हुआ, फिर वो एक गुच्छे में लोग साइन अप होते ना एक कैटेगरी से, फिर तो वो साइन अप हुए। फिर उसके बाद मैं जाता हूँ सैनिक स्कूल खत्म करके मैं जाता हूँ कि मैंने जो BDS की थी 9 महीने, तो ऑब्वियसली अनिल भाई से बॉन्डिंग उसी वहीं से हुई थी, उसी BDS में से, तो ही ऑलरेडी ही साइंड अप एंड ही इज द वन हु साइंड मी अप। देन BDS के बाद फिर जब मैं MBBS करने चला गया तो MBBS के कितने दोस्त, ऑब्वियसली यीशु है ही है, एंड अनिल साइन अप हुआ MBBS से मेरा, डॉक्टर अनिल वो दोस्त मेरा साइन अप हुआ। और फिर उसके बाद मैं जब PG कर रहा था, अच्छा ऐसा नहीं है कि सभी साइन अप हो रहे थे, मैं जब MBBS कर रहा था तो मैं हॉस्टल में नहीं था, और जिस इंसान के साथ मैं रहता था हॉस्टल में नहीं रह के, हम लोगों ने मेरा एक दोस्त है राहुल आनंद सिंह, ही इज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, सो हम दोनों लोग ने साथ में एक फ्लैट लिया, और उसमें हम लोग दो कमरे में एक रूम में वो एक रूम में मैं रहता था, और एक दिन वो खाना बनाता था एक दिन मैं खाना बनाता था, जैसे आज मैंने बनाया तो कल वो बनाता था, परसों फिर मैंने बनाया, तो ऐसे हम लोग रहते थे। एंड हम लोग लगभग 6-7 साल साथ रहे, एंड ही डिड नॉट साइन अप, राहुल ने नहीं साइन अप किया, राहुल मतलब ही न्यू ओनील ऑल्सो, बट राहुल ने साइन अप नहीं किया। सो ऐसा नहीं है कि लोगों ने हमको मना नहीं किया, आप सोचो ना जिस इंसान के साथ मैं 6 साल रहा हूँ उसने मुझे मना कर दिया कि नहीं यार मैं ये नहीं करूंगा, और भी मेरे अच्छे दोस्त थे, कई और दोस्त थे उस मेडिकल कॉलेज में, बट उन्होंने साइन अप नहीं किया, बट उससे मुझे फर्क नहीं पड़ा, फर्क इन द सेंस मुझे यही लगा कि ठीक है कोई बात नहीं यार, अब सभी क्यूनिट करने लगेंगे तो कोई तो डॉक्टरी देखेगा ना, कोई तो कुछ और काम करेगा ना, तो किसी न किसी तरीके से अपने आप को मना लिया, मैं रुका नहीं, मैं अपलाइन के पास नहीं पहुंच गया कि अपलाइन क्या करूं, मेरा जो सबसे अच्छा दोस्त है वही साइन अप नहीं कर रहा है, आप कोई ट्रिक बताओ ना मैं साइन अप कर दूं, नो इट वॉज नॉट लाइक दिस, इट वॉज लाइक कि चलो ठीक है ये नहीं करेगा तो कोई और करेगा, हम आगे बढ़ते हैं। एंड फिर वहां से गए, और ये सब जो हो रहा है ना ये मैं आपको अपने वो DRs बता रहा हूँ जो मैंने बैचेस में डिसाइड किए, बट इनका सीक्वेंस नहीं बता रहा हूँ कि किस टाइम पे कौन साइन अप हुआ। तो पहले पूरी फैमिली हो गई थी साइन अप, अपार हो गया था साइन अप, यशु हो गई थी साइन अप, नीरज हो गया था साइन अप, और ये जो उदय और मुकेश और ये बाकी लोगों का अभिषेक और इन लोगों की जो मैं बात कर रहा हूँ ये अब मैंने सोशल मीडिया पे काम करना शुरू किया था। और कब करना शुरू किया था, 2012 फरवरी में मैंने साइन अप किया, ये सारे लोगों को साइन अप कर लिया, और सितंबर 2012 में मैं वीकॉन गया था, वीकॉन जकार्ता, और वीकॉन जकार्ता इंडोनेशिया जाना था। जिंदगी में पहली बार मैंने और यीशु ने अपना पासपोर्ट बनवाया, मुझे अभी भी याद है 3 सितंबर की रात में 9 बजे की हमारी फ्लाइट थी सिंगापुर एयरलाइंस की, और 3 सितंबर को दोपहर में 3 बजे यीशु की मौसी जी हैं उस टाइम पे, वो अच्छा खासा उनका पॉलिटिकल पकड़ थी, तो उनके हेल्प से हमको हाथ में पासपोर्ट मिला था दोपहर में 3 बजे, और पैसे नहीं थे हमारे पास, तो ये भी हम अच्छा मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि पैसे नहीं थे तो हम में से कोई एक चला जाता, हस्बैंड वाइफ ऐसे ही तो डिसाइड करते हैं कि कोई एक चला जाओ ना, दूसरा क्यों जाना है, एक आदमी सीख के आएगा वो मुझे भी सिखा देगा, बट ये थॉट कभी आया ही नहीं। हमने पैसे अरेंज किए, अपलायंस से हेल्प मांगी और लोगों से उधार लिए, बट दोनों लोग साथ में गए,
मुझे याद है 45,000 की फ्लाइट थी, 35,000 सैलरी जो चली जाती है और 45,000 की एक इंसान की फ्लाइट आना जाना, तो 90,000 की तो फ्लाइट हो गई प्लस होटल का स्टे पूरे वीकॉन। मुझे याद है सुबह यशु बैग में पूरा ब्रेकफास्ट का सारा सामान भर लेती थी, केले एप्पल एंड ऑल, ताकि हमको लंच में कुछ खरीदना ना पड़े, पैसे ही नहीं थे, और डिनर में फिर हम एक टाइम पे हम खाना खा लेते थे, उतने के पैसे बचाए होते। ये मेरा फर्स्ट वीकॉन, और उस वीकॉन में मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि ये बिजनेस जैसा मैं सोच रहा हूं ये वैसा नहीं है। ये जो लोग हैं, चाहे वो दातोश्री हों, चाहे जापादास हों जो फाउंडर्स हैं, चाहे वो चीफ हों, चाहे वो वी पार्टनर्स हों, वी पार्टनर पद्मा, या जो लोग भी हैं, मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि ये कुछ अलग है, वो फील अलग था वो। और मैं सच बता रहा हूं, मेरे लिए अपने पेशेंट्स को ट्रीट करना वॉज माई बिगेस्ट किक, पेशेंट्स को ठीक करना वो मेरा सबसे बड़ा किक है, था उस टाइम पे। लेकिन कुछ तो ऐसा दिखा होगा ना उस वीकॉन में, जिसकी वजह से मैंने उस किक को बोला कि ये सेकेंडरी करते हैं। और वो यही था कि पेशेंट ठीक करने से एक फैमिली ठीक होती है, लेकिन यहां एक साइनअप करूंगा और अगर उसकी जिंदगी में चेंज आ गया, मैं जानता हूं मैं साइनअप 50 करूंगा बट सबको नहीं बदल पाऊंगा, क्योंकि भगवान ने सबकी किस्मत लिखी है, अपने मेहनत से इंसान पैसा कमाता है। सो लेकिन मैं अगर 10 लोग 20 लोगों को भी चेंज कर पाया, उनका पाया, तो वो जाने कितनों की लाइफ बदल देंगे। और ये कॉन्सेप्ट जब मेरा क्लियर हुआ तो मैंने डिसाइड किया कि नाउ दिस विल बी माई प्राइमरी। तो फरवरी से सितंबर 2012 की जर्नी में कई डीआरएस हो गए थे, बट अब वो वाली स्टेज आ गई थी कि मेरी निमलिस खत्म हो गई, कि यार मैं किसी से बात नहीं करता था ना, अपार अपार कुछ लोगों से बात करता था वहां हॉस्पिटल में, और कुछ लोग जो मेरे डॉक्टर थे, जो मेरे जूनियर थे, जो मेरे सीनियर थे, सब लोग मेरे पीछे पड़ गए थे कि क्या कर रहे हो डॉक्टर साहब, आप भी क्या, ये कौन सा बिजनेस है, अब आप भी ये सब काम करोगे क्या। ओ गॉड, वो उस हॉस्पिटल में ना ऐसा लगता था कि मैं कहीं से जा रहा हूं तो लोग रास्ता बदल दिया करते थे। बट कई लोगों ने मुझे समझाने की कोशिश की, तो मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे थे कि मैं जिंदगी में ये अचीव करना चाहता हूँ, और मैं उनसे फिर पूछता था कि भाई अगर आप लोग कोई लीगल और एथिकल तरीका जानते हो जिससे ये पैसा, ये चीजें अचीव हो सकती हैं, अगर कुछ है तो बताओ, नहीं तो प्लीज मुझे ये करने दो। और मन ही मन मैं कंपेयर भी कर लेता था कि यार पढ़ाई लिखाई में थोड़ा बेटर हूँ, आई एम नॉट दैट बैड, सो अगर पढ़ाई लिखाई में कुछ अचीव किया है तो यहां भी कर लूंगा। वो कहीं ना कहीं वो सेल्फ बिलीफ हमेशा था कि कर लूंगा हो जाएगा, वो एक सेल्फ बिलीफ वाला जो डीएनए बाबा ने डाला था, वो कभी उसने बहुत हेल्प की, हमेशा आज भी हेल्प करता कि हो जाएगा, कर लेंगे, हो जाएगा कुछ ना कुछ करके। एंड तो उस वीकॉन से जब निकला तो फेथ एंड बिलीफ इतना बढ़ गया था मेरा कि अब यही करना है, नेमलेस खत्म हो चुकी है बट अब यही करना है। सो वीकॉन से, इनफैक्ट वीकॉन के साथ साथ ही ये सारे चीजें बनने लगी थी, फेसबुक पे ये मेरी नेम कैटेगरी मेरे प्राइमरी स्कूल की है, ये सेकेंडरी स्कूल की है, ये हाई स्कूल की है, ये मेडिकल कॉलेज की है, ये जॉब की, वो सारी नेमलिस्ट बन गई थी। बट इन नेमलिस्ट में जो लोग थे उनसे मैं बहुत दिनों से नहीं मिला था, और मैं सडनली उनसे नहीं बात कर सकता था कि आ जाओ मैंने बिजनेस शुरू किया, वो बहुत रॉन्ग अप्रोच है, वो सब कोल्ड कैटेगरी में थे शायद, जिनसे मुझे अभी पहले रिलेशनशिप रीस्टैब्लिश करनी थी, अपनी बॉन्डिंग फिर से बनानी थी कि मैं अभी भी वैसा ही हूं जैसा उस समय हम थे। क्योंकि मैं तुरंत बोलता, उदय को भी बोलता कि उदय चल बिजनेस मेरे साथ शुरू कर ले, और 16 साल बाद बोलता, मुकेश को मैं बोलता कई दिनों बाद, आई थिंक मुकेश से भी मैं मिला हूँ 2006 पास आउट हुआ है, और 2000 इनफैक्ट मुकेश 2001 बैच का था, तो ही पास आउट इन 2006-2007, उसके बाद मैं मिला हूँ 2015 या 16 में मिला हूँ आई थिंक, मुकेश और अर्चना दोनों लोग मथुरा में थे और मैं वहां इनसे मिलने गया था, वो भी फेसबुक के थ्रू। तो इतने दिनों बाद अगर मैं इनसे मिलता और सीधे कहता कि चलो बिजनेस शुरू करते हैं, तो उनको भी लगता ना कि यार क्यों अचानक 10 साल बाद, 7 साल बाद, 16 साल बाद बंदा मिल रहा है और सीधे पैसे की बात कर रहा है। तो मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट था कि वो पहले अपनी बॉन्डिंग रिस्टैब्लिश कर लूं कि है क्या, मतलब वो बॉन्डिंग में जान है कि नहीं। क्योंकि जैसे ही रिलेशनशिप स्टैब्लिश होती है ना, तो इंसान, हम खुद बात करते हैं यार जिंदगी ठीक चल रही है लेकिन थोड़ा और बेटर करने की जरूरत है। हम वो ईगो साइड में रख देते हैं कि सब बढ़िया चल रहा है, हम सबको पता है कितना अच्छा चल रहा है और कितना बुरा चल रहा है। लेकिन कुछ दोस्त होते हैं जिनके सामने ना हम दिल खोल के बात करते हैं कि यार ठीक चल रहा है, सब अच्छा है, बट यार क्या बोलूं यार, कमी है। और मैं हमेशा मानता हूं कि जब तक मेरी बॉन्डिंग
मेरे दोस्तों से वो ना हो जाए, जब वो बोले कि यार सब बढ़िया चल रहा है लेकिन यार कुछ मिसिंग, तब तक मैं बिजनेस की बात नहीं करता था, तब तक मैं बॉन्डिंग की बात करता था, टाइम स्पेंड करता था, चाय पीते थे, पकौड़े खाते थे, वो सब था। तो टू वीकॉन के बाद फिर मैंने ये सारी चीजें शुरू की, लोगों से बातचीत करना, लोगों से बॉन्डिंग बनाना, डिस्कशन करना, नो बिजनेस, सिर्फ टच में रहना, वो शुरू किया। एंड ऑब्वियसली अब वो तो शुरू किया लेकिन और क्या करूं, क्योंकि बिजनेस तो करना है, डीआर तो करना है। फिर मैंने नवंबर 2012 में मैंने दिल्ली में हॉस्पिटल ज्वाइन किया, जब प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल ज्वाइन किया मैंने, और वहां भी मैं जब गया तो उस हॉस्पिटल में सारे नए जीआर एसआर, सारे नए डॉक्टर, पूरा नया लॉट। एंड आई वाज लाइक यार यहाँ तो इन बाकी तो जो पुराने उनको मैं 10 साल पहले तो जानता था, बट इनको तो बिल्कुल भी नहीं जानता, अभी कैसे करो। तो फिर मैंने कहा कि यहाँ एक ही तरीका है कि सबसे पहले एक इमेज बनाई जाए कि इंसान सिंसियर एंड ऑनेस्ट है। मैंने उस हॉस्पिटल में अपना काम सिंसियरली करना शुरू किया। ऑब्वियसली एक तो बात थी कि भाई मुझे अपना काम ठीक करना है, मुझे अपनी फील्ड में एक वो नाम बनाना है कि अपना काम बहुत मेहनत से ईमानदारी से करता है, वो तो थॉट कहीं गया ही नहीं था। पेशेंट देखते टाइम वो थॉट हमेशा मेरे दिमाग में रहता था, बट अपना काम सिंसियरली कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, लाइक ओपीडी चल रही है और बीच में मैं ओपीडी रुक के मैं चाय पीऊं, ये कभी नहीं किया मैंने। जब तक ओपीडी के आखिरी पेशेंट को नहीं देख लेता था मेरा हाथ नहीं रुकता था, चाहे वो सुबह से शाम हो जाए। अब मेरा ऐसा एटीट्यूड था, बट कुछ लोग अनूप जैसे, डॉक्टर अनूप जैसे थे जो मुझे देख रहे थे, और मुझे पता था कि कुछ लोग तो होंगे ना जिन जो देखेंगे कि हाँ यार आदमी मेहनत करने वाला है। तो अनूप, शायद अनूप को यही बात मेरी अच्छी लगी कि मेहनत करता है, अपने काम में लगा रहता है, कोई काम इनकम्प्लीट नहीं छोड़ता है, जो डिसाइड करता है उसको पूरा करता है, तो क्यों ना ऐसे इंसान के साथ मैं भी रह लूं। तो अनूप ने थोड़ा मेरे साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया, और फाइनली बिजनेस, क्योंकि फाइनली तो बिजनेस में बात आएगी ना, फाइनली तो बिजनेस में बात आएगी। तो देन अनूप गॉट साइंड अप, सो अनूप साइन अप हुआ, और वो शादमान एंड बहुत ढेर सारे लोग, फिर वो पूरी एक बड़ी टीम हमने, मुझे अभी भी याद है फेब्रुअरी 2013 में अनूप साइन अप हुआ था, मैंने नवंबर 2012 में ज्वाइन किया था हॉस्पिटल, फेब्रुअरी 2013 में, आई होप अनूप को ज्यादा बेटर याद होगा, बट अनूप तब साइन अप हुआ था। और क्या नाम है, फिर वो अगले चार महीने में, मैंने जून 2013 में रिजाइन किया था, तब तक हम लोगों ने वो हॉस्पिटल से 15-20 लोगों की टीम क्रिएट कर ली थी, हम दोनों लोग मिलके बात करते थे कि अनूप प्रोस्पेक्टिंग करता था, बिजनेस के बारे में बताता था, और मुझे थोड़ा सा एडिफाई करता था कि ये बिजनेस में सीनियर हैं एंड ऑल, और फिर मैं जाके उनके डाउट्स क्लियर करता था, और पूरी स्ट्रैटेजी के साथ हम फिर काम करते थे कि इंसान को ये भरोसा हो जाए कि वो सही लोगों के साथ है। मेरा आज भी एक ही उसूल है किसी को भी साइन अप करते समय, कि भाई उसको ये भरोसा है कि अगर मेरे साथ रहेगा ना तो जिंदगी बदल सकती। आज भी मैं अभी भी किसी से भी मिलता हूं तो मैं अपनी तरफ से कोशिश यही करता हूं, और कि वो इंसान को ये फील जाए कि अगर वो मेरे आसपास रहेगा, मेरे साथ रहेगा, तो बिजनेस उसकी जिंदगी बदल सकती है। कौन नहीं चाहेगा ऐसे इंसान के साथ रहना। तो इंस्पाइट ऑफ मैं अपने डीआर से, मैं अपने दोस्तों से एक्सपेक्टेशन रखूं, मैं खुद से एक्सपेक्टेशन रखता था कि खुद को इस लायक बनाऊं ना कि वो लोग मुझसे आके जुड़ जाए, वो लोग मेरे साथ रहना पसंद करें। तो कैसे इंसान के साथ मैं रहना पसंद करूंगा, मैं कैसे अपने आप को ऐसा बनाऊं कि लोग मेरे साथ रहना पसंद करेंगे। तो फिर मैं पूछता था कि फिर क्या होना चाहिए, तो मुझे लगता था कि पंक्चुअल होना चाहिए, टाइम से अपना काम करना चाहिए, और एक सबसे बड़ी बात कि कीप योर प्रॉमिसेस, जो बोलो उसको पूरा करो, जो काम बोला है या तो ना बोलो, और अगर हाँ बोला है तो उसको कंप्लीट करो, उसको बीच में नहीं छोड़ो। बताऊं जितने लोग डीआरस हैं मेरे, अपार है, क्या नाम है, मुकेश है, उदय है, राजीव है, जितने लोग हैं, अनूप है, अभिषेक था, अभिषेक जिसने सुरेंद्र को साइन अप किया, अभिषेक है, ये जितने लोग, अनिल है, निकिता है, मोहित है, नजफ है, आई डोंट नो और कितने, मतलब मैं शायद किसी का नाम ना भूल रहा हूँ, नहीं तो मेरे को सिस्टम के बाद दे विल स्क्रू मी कि आपने मेरा नाम नहीं बोला, मैं भी तो आपका डीआर हूं। नम्रता है, एंड जितने लोग थे, तो संदेश एंड ऑल, सो ये जब इन लोगों को साइन अप करते समय मेरे दिमाग में यही रहता था, और ये लोग शायद कहते भी हैं, मैंने मैंने कि
वो लोग शायद मेरे साथ इसलिए उन लोगों ने मेरे पे ट्रस्ट दिखाया क्योंकि उनको लगता था कि मैं सही ट्रैक पे हूँ, मैं डिसीजन सही लेता हूँ, मैं बातें अपनी कंप्लीट करता हूँ. शायद मे बी दैट वॉज द रीजन कि कई लोग थे इनमें से जो क्यूनिट जानते थे, जिनको क्यूनिट के लिए बहुत से और लोगों ने अप्रोच किया, बट दे साइंड अप विद मी. एंड ये बात मतलब ये इतना सिंपल है कि मुझे याद है निकिता का जब मैंने साइन अप किया था, तो निकिता वॉज द वन, उस समय 2017 की बात है, निकिता एंड मोहित को जब मैंने साइन अप किया था, तो 2016 या 17 की बात है, जब निकिता शी वॉज वर्किंग विद अमेरिकन एक्सप्रेस और क्रेडिट कार्ड के लिए निकिता ने मुझे फोन किया. और मैं यूजली मना कर देता था, मेरे पास ऑलरेडी सिटी बैंक और SBI के क्रेडिट कार्ड थे, बट मैं बार बार मना कर देता था. एंड निकिता वॉज द वन जो जिसने मुझे पुश करके वो क्रेडिट कार्ड दिलाया. मतलब शी वॉज सो कंसिस्टेंट इन फॉलोइंग अप विद मी, मुझसे बात करने में, फॉलो अप करने में, और इतने अच्छे से कि मैं कभी फोन काट नहीं पाया कि गुस्से में मैं फोन काट दूं, उसकी हर बात का जवाब देता था. एंड फाइनली मैंने बोला कि ठीक है निकिता तुम लो ये, और मेरा कार्ड भी उसने बनवाया, अमेरिकन एक्सप्रेस का बहुत शानदार कार्ड बनवाया उसने. एंड ऑब्वियसली कार्ड बनवाने के लिए सारी डिटेल निकिता के पास थी, मेरा बैंक स्टेटमेंट, ITR, सब कुछ था. एंड उसको क्यूनेट और भी लोगों ने बताया था, बट आई डोंट नो क्यों शी केम एंड शी वॉज लाइक कि भाई आपके साथ ही शुरू करना. एंड शी एंड मोहित दे स्टार्टेड विद मी. एंड इसी तरीके से मैं पहली बार जब दुबई आया था तो मेरे घर पे वो एक इंसान आया, वो वैक्यूम क्लीनर एंड ऑल सब बेचने वेचने के लिए, वो दो तीन बार मिलता रहा. एंड हिज नेम वाज क्लोविस, ही वाज फ्रॉम युगांडा, सो ही साइंड अप. फिर मेरा जो पहला फिजिकल ट्रेनर था आइजैक, वो मेरे साथ, अब सिंपल सी बात है यार, जो मुझे ट्रेनिंग दे रहा है और मेरे साथ दो घंटा निकाल रहा है, वो कैसे छूट जाएगा. वो ही आइजैक गॉट साइंड अप, ही इज फ्रॉम UK. देन नजफ तो फिटनेस फर्स्ट में था और फिटनेस फर्स्ट में अभी भी है नजफ, और कितने लोग थे फिटनेस फर्स्ट में, कितने क्यूनिट के लोग थे, बट आई डोंट नो नजफ ने क्या सोचा. और मुझे यही बोला था कि भाई मुझे आपके ही साथ करना है, मैं सबको जानता हूँ बट मुझे आपके ही साथ करना. आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये सब क्यों होता था, क्या होता था. और मुझे याद है, मतलब मैं अभी बटा से भी ये डिस्कस कर रहा था कि यार आखिर चीफ और दातोश्री की भी बॉन्डिंग देखो, तो चीफ दातोश्री के टीचर के बेटे हैं. अभी अगर मैं इसको चेक करूं तो इसका मतलब दातोश्री ने जब अपने DRs किए तो अपने टीचर्स के बेटों को भी प्लान दिखाया. हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने ऐसे सोचा कि हम प्लान दिखा सकते हैं, हम उनसे भी तो बात कर सकते हैं. मैंने अपने पर्सनल ट्रेनर जिन्होंने मेरी बैंकिंग देखी, जिन्होंने मुझे क्रेडिट कार्ड बनवाए, सब सारे दोस्त, सब रिलेटिव, मैंने सबको साइन अप किया. हाँ कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी, कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप जानते हो उनके नाम, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सुरेंद्र हो, चाहे वो आप एंड आई फॉरगॉट टू मेंशन शालू. ऑब्वियसली शालू यशु की सिस्टर है, बट हाँ है तो अपनी ही DR ना, अपनी तो फैमिली है. तो ऐसे कितने लोग हैं जिनके थ्रू अगर आप देखो तो अपार अर्पित, शालू, फिर इधर सुरेंद्र नहीं, फिर उधर अनूप, फिर उधर उदय, फिर उधर मुकेश, मतलब ये तो वो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आज की टीम में, आज की डेट में, जो मुझे लगता है कि इन लोगों की वजह से मैं एग्जिस्ट करता हूँ. वो इतना अच्छा कर रहे हैं कि आप मुझे जानते हो, आई हैव डन नथिंग. उन्होंने तो, मैंने तो सिर्फ उन तक बिजनेस पहुंचाया, बट दे ट्रस्टेड मी, और उन्होंने इतनी मेहनत की इतनी बड़ी बड़ी टीमें बिल्ड करने की, आज आप मुझे जानते. उतने अच्छा नहीं भी कर पाए, तो हर DR, जैसा मैंने बोला कि मेरा काम था उन तक बिजनेस पहुंचाना, बिजनेस के बारे में उनको समझाना, बताना. बाकी तो अपनी मेहनत, तो सबकी अपनी मेहनत होती है ना, हाथ की लाइनें तो मैं किसी की नहीं बदल सकता ना. बट DR करते समय कभी अपने आप को होल्ड नहीं किया. मुझे अभी भी याद है 2015 वीकॉन से पहले मैंने 5 DR किए थे. नम्रता हुई थी साइन अप, उदय हुआ था साइन अप, अनिल हुआ था साइन अप, मेरा एक और सैनिक स्कूल का दोस्त जब मैं मुंबई ट्रेवल करता था प्रवीण तिवारी, उसको मैंने किया था साइन अप, एंड अभिषेक, डॉक्टर अभिषेक जिसने सुरेंद्र को साइन अप किया. वो ये पांचों लोगों को मैं वीकॉन लेके गया था. और मेरी हैबिट थी कि वीकॉन से पहले मैं DR जरूर करता था, कुछ और करूं ना करूं DR जरूर करता था. और मैंने कभी किसी को भी
आज भी जब मैं किसी से मिलता हूं ना, तो मेरे दिमाग में यही चलता है कि क्या मैं क्यूनेट दे करके इसकी जिंदगी में कोई चेंज ला सकता हूं। यही चलता है। तो अगर अगर मैं एमिरेट्स में ट्रेवल करता हूं और कोई मुझसे बात भी करता है ना, तो मैं यही सोचता हूं कि यार जैसे वहां पे एयर हॉस्टेस है, जो लोग भी बहुत हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छे से ग्रीट करते हैं, मैं ये सोचता हूं कि काश कुछ ऐसा हो पाता या कुछ ऐसी बॉन्डिंग हो पाती कि मैं इन तक क्यूनेट पहुंचा पाता। बट क्योंकि वो कोल्ड है ना, वो लोग नहीं जानते मेरे पर भरोसा, मुझे नहीं जानते वो लोग। बट काश कुछ ऐसा होता कि ये लोग जानते और मैं इन तक बिजनेस पहुंचा पाता। साथ हमेशा डीआर की, वीकॉन से पहले हमेशा डीआर किए, वीकॉन से पहले 2-3 डीआर तो करता ही करता था मैं, और सबको लेके जाता था वीकॉन, उनके साथ अटेंड करता था। उसमें से कुछ लोग जैसे अभिषेक ने, सुरेंद्र ने, इन लोगों को साइन अप कर दिया तो एक टीम बन गई, उदय ने एक टीम बना ली, और क्या नाम है, आई मीन 5 में से अगर 3 लोगों ने भी एक टीम बना ली तो नॉट बैड। नम्रता है, छोटी टीम है, अनिल है, छोटी टीम है, बट हाँ ठीक है। बड़ी टीमों की अगर मैं बात करूं तो इन लोगों ने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर लिए, मुकेश ने, मुकेश अर्चना ने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर ली। तो सिर्फ इन तक बिजनेस पहुंचा है, मेहनत तो इनकी ही है, किया तो इन्होंने ही है। सिर्फ इसलिए आ जाता है क्योंकि शायद मेरे थ्रू इन तक बिजनेस पहुंचा है, मेरी कोई मेहनत नहीं है इनके, मैंने कुछ एक्स्ट्रा और इन्होंने मेहनत की है, मैंने सिर्फ इतना कंट्रीब्यूट किया इनकी जिंदगी में कि मैं वो मीडिएटर बना कि मेरे थ्रू क्यूनेट पहुंच गया। अब आई डोंट नो आप में से कितने लोग हो जो इस एटीट्यूड से बिजनेस करते हो, चाहे वो हॉट साइन अप करते समय हो। क्या आपका इंटेंट, क्या आपका थॉट प्रोसेस सही जगह पे है किसी को भी साइन अप करते समय? आज की डेट में कितने लोग हैं जो क्यूनेट में क्वेश्चन मार्क उठाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो लोग भी थे जिन्होंने भी साइन अप किया, उन्होंने पक्की बात है कहीं कोई गलत प्रॉमिस किया, कोई गलत बात बोली, गलत कमिटमेंट किया, या बोल करके अपनी बात से मुकर। बिजनेस में कोई कमी नहीं है, वी पार्टनर्स, चीफ, सब कुछ, कंपनी में कोई कमी नहीं है, इंडस्ट्री में कोई कमी नहीं है, बट लोग अपनी बातों से, लोगों ने जो प्रॉमिस किया उसको लोग अपनी कही हुई बात कंप्लीट नहीं कर पाए, पूरी नहीं कर पाए, अटक गए। कोई डीआर में मिस तो नहीं कर रहा हूं भाई, आईएसबी लोग देखो, अगर कोई मैं डीआर किसी का नाम मिस किया तो प्लीज मेरे को मेंशन कर दो, ताकि मैं, नहीं तो बाद में मेरे को बहुत गालियां पड़ेंगी। आई डोंट थिंक कि कोई मैंने कोई डीआर मिस किया होगा, देख लू मैं, जल्दी याद करनी पड़ती है ना कौन कहां पे कैसे कैसे है। सो दैट्स हाउ मैं यही मैं सोच करके लोगों से बात करता हूं। मीडिएटर बन सकता हूं इन तक क्यूनेट पहुंचाने के लिए, क्या मैं वो मीडिएटर बन सकता हूं इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवाने के लिए, क्या वो मैं मीडिएटर बन सकता हूं इनको राइट वैल्यू सिस्टम से अटैच कर। अगर आप किसी के अपलाइन हो, अगर आपने किसी को डीआर किया है, तो उसको सिस्टम में प्लग इन करना, उसको वीसेल में प्लग इन करना, उसको पुश करना कि ये बुक्स पढ़ ले, उसको पुश करना कि ये अपनी वीडियोस देख ले, उसको पुश करना कि वो वीकॉन आ जाए। आप सोचो, मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं वीकॉन नहीं गया होता तो दुनिया की कोई ताकत मुझे इस बिजनेस में जिंदा नहीं करती, इस बिजनेस में वो नहीं, जिंदा नहीं रख सकती थी। कोई भी इंसान मेरे लिए, मेरा पेशेंट ट्रीट करना वाज एक्सट्रीम लेवल ऑफ पैशन। आशुतोष मैं भूल गया, आशुतोष को मैंने साइन अप नहीं किया, मेरे साथ डीएनबी की 3 साल हम लोगों ने साथ में डीएनबी की, सारे ये पेशेंट्स हमने साथ में देखे, बट आशुतोष को मैंने भी अप्रोच किया, आशुतोष ने मेरे साथ साइन अप नहीं किया, बट फाइनली आशुतोष मुकेश की ही टीम में साइन अप हुआ, किसी और में साइन अप। जाया कि भाई भैया काजल भी तो यशु दीदी की डीआर है, तो मैं और यशु अगर एक है तो वही बात है, काजल भी है, खुशबू भी है, तो बहुत है, सो मेनी पीपल डीआर ऑल्सो ना। हम क्यों हेजिटेट करते हैं किसी से बात करते समय? क्योंकि शायद इंटेंट क्लियर नहीं है, शायद वो थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं है। हा? गौरव सुभारती, इसका भी मैसेज आया कि भाई मैं भी तो ऑब्वियसली अतर की टीम में ही गॉट साइंड अप, बट यस ही वाज विद मी इन सुभारती, एंड मैंने भी बात की, आशुतोष ने भी बात की, बट ही साइंड अप विद अतर टीम।
So many people signed up. But intent एक ही था, thought process एक ही था कि काश मेरे थ्रू ये बिजनेस इनके हाथ में पहुंच जाए और इनकी जिंदगी बदल जाए. क्योंकि जिंदगी, ये बिजनेस किसी की जिंदगी नहीं बदलता. आप इस बिजनेस को यूटिलाइज करके, मेहनत करके अपनी जिंदगी खुद बदलते. ये गलत परसेप्शन है कि ये जिंदगी, ये बिजनेस आपको ये कार दिला देगा, ये बिजनेस आपको ये घर दिला देगा, ये बिजनेस आपको इतना बड़ा चैंपियन बना देगा. ये बिजनेस सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है पे आप बैठे हो. ये बिजनेस फरारी है, कार है, उसकी ड्राइविंग सीट पे आप बैठे हो. गियर आपने चेंज करना है, पेट्रोल आपने डलाना है, ब्रेक आपने लगाना है, एक्सीलरेटर आपने आपने कंट्रोल करना है, स्टीयरिंग आपके हाथ में, सब कुछ आपके हाथ में. ये तो व्हीकल है. और ये बातें जब समझ में आई ना, तो मुझे लगा यार कितना शानदार बिजनेस है ना. लोगों को साइन अप करना है, और साइन अप करने के लिए ऑब्वियसली उनका मैं मुझे अभी भी एक मूवी का याद है, वो लोग जीतना, लोगों को जीतने का बिजनेस है शायद, लोगों के दिल जीतने का बिजनेस है शायद. भरोसे से, झूठ से नहीं, गलत कमिटमेंट से नहीं, 6 महीने में डबल कर दूंगा उससे नहीं, मेहनत करके, कमिटमेंट से, सिंसियरिटी से, ऑनेस्टी से, डिसिप्लिन से. कौन नहीं चाहेगा ऐसे अप्लाइंट के साथ काम करना जो दिन रात आपकी ग्रोथ के लिए लगा हुआ. मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि अगर मेरा अप्लाइंट दिन रात मेरी ग्रोथ के लिए, मेरे लिए, भाई आप में से कई लोग परेशान हो जाते हो कि मेरा अप्लाइंट मुझे इतनी बार फोन करता है. भाई आप भी तो सोचो, वो भी तो इतनी बार फोन करता है. आप तो फोन रिसीव करते हो, उसको तो सोचना है कि मुझे इनको फोन करना है, उसको तो अपने बात दिमाग में रखनी है कि मुझे इसको फोन करना है. स्टेप ऊपर का कमिटमेंट है उस इंसान का. कौन सोचता है आज की डेट में आपके लिए? कितने लोग आप अपनी जिंदगी में ऐसा जानते हो जो आपके लिए उस तरीके से सोचते हैं जैसे आपका अपलाइन सोचता है? तो अगर आप अपने डाउनलाइंस के लिए ऐसा ही सोचोगे, आप अपने नियर एंड डियर वंस के लिए ऐसा ही सोचोगे, तो क्यों नहीं वो साइन अप करेंगे आपके साथ? हम ही थोड़े लालची हो जाते हैं शायद, हम ही थोड़े हो जाते हैं कि पता नहीं ये करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं ये क्या सोचेगा, पता नहीं इसके पास पैसे होंगे कि नहीं होंगे. बट वो पता नहीं के पीछे ना हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि ये साइन अप होगा, इसको यहां प्लेस करूंगा तो इतने पैसे बनेंगे, इतने चेक बनेंगे. वो इंटेंट डिफरेंट है शायद. तो आप ये सोचो, कोई भी आप ये सोचो कि आप साइन अप करते समय सोचते क्या हो, और साइन अप करते समय क्या प्रोस्पेक्ट, किसी से बात करते समय या किसी के भी बारे में ये सोचते समय कि इसको आज नहीं तो कल मैं बिजनेस में साइन अप करूंगा, ये सोचते, ये जब आपके दिमाग में थॉट आता है तो साथ में कौन सा थॉट चल रहा हो? इससे पैसे बनाऊंगा या इसकी जिंदगी में क्यूनिट पहुंचाने का मीडिएटर बनूंगा, सो दैट ही कैन चेंज हिज लाइफ. मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि इतने लोग, जितने लोगों का भी मैंने नाम लिया, इनफैक्ट अगर किसी का भी भूल भी गया हूं, तो ये लोग अपनी जिंदगी में जितने सक्सेसफुल हैं अपने दम पे हैं. मैं सिर्फ वो मीडिएटर था जिसने इनकी जिंदगी में क्यूनिट पहुंचाया, जिसने इनकी जिंदगी में ट्रेनिंग्स पहुंचाई, जिसने इनकी जिंदगी में गाइडेंस पहुंचाया, जिसने इनकी जिंदगी में राइट वैल्यू सिस्टम पहुंचाया, और बीच बीच में कोशिश की कि जब ये रास्ता भटके तो इनको थोड़ा वापस ट्रैक पे लेके आ जाओ. दिस इज व्हाट माय कंट्रीब्यूशन, और कुछ नहीं किया मैंने. ये अपनी मेहनत से जहां पहुंचे वहां पहुंचे, मैं कभी कर ही नहीं सकता. कोई अपलाइन, कोई डाउनलाइन आपकी ग्रोथ या आपकी फेलियर, आपकी सक्सेस या फेलियर डिसाइड नहीं कर सकता. हम खुद अपने सक्सेस या फेलियर डिसाइड करते हैं. से क्या सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में चल क्या रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है जिंदगी में. मैं ऐसे लोगों से सराउंडेड हूं जो सिर्फ उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, लोगों की पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, लोगों की बुराइयां कर रहे हैं, मेरे दिमाग में सिर्फ वही बातें जा रही है ना, तो मैं भी वैसा ही सोचूंगा. और जब मैं भी वैसा ही सोचूंगा तो मैं भी वैसा ही करूंगा, और जब मैं भी वैसा ही करूंगा तो मेरे ऊपर भरोसा कोई क्यों करेगा? फिर आप कहोगे कि डीआर नहीं होते, लोग मेरी बात नहीं मानते हैं, आप कहते हो कि अपलाइन ने प्लान अच्छा नहीं दिखाया, इसमें उसने, आपने फाइनेंशियल ठीक से नहीं दिखाया, आपने गूगल ठीक से नहीं किया. कोई भी इंसान एक बार में प्लान फाइनेंशियल देख करके बिजनेस में साइन अप नहीं करता है, वो आपको देखता है.
क्या मैं इस आदमी पे भरोसा कर सकता हूँ, ये जितने जा रहे हैं, चाहे वो मेरे इवन संदेश जब साइन अप हुआ था, संदेश, प्रवीण, मेरे प्राइमरी स्कूल वाले दोस्त, सैनिक स्कूल वाले दोस्त, मेरे वो मेडिकल कॉलेज वाले दोस्त, बीडीएस वाले दोस्त, वो इनफैक्ट पीजी करते वाले, उसके बाद जो मैंने जॉब की वो वाले दोस्त, जॉब के बाद जब जिन लोगों ने मेरा जिन्होंने मुझे क्रेडिट कार्ड बना के दिया, जिन्होंने मुझे फिजिकली ट्रेन किया, या जिन जो लोग भी मेरे आसपास जो भी मुझसे अटैच है, आखिर उन्होंने ये यही एक चीज देखी हो, उन्होंने मुझे स्टडी किया होगा कि क्या इस इंसान के साथ रहना चाहिए। वैसा ही आप भी तो सोचो, ये ब्रजेश भाई ना कहीं मंगल ग्रह से उतर के आए, अरे भाई मैं आप ही की तरह हूं, नॉर्मल इंसान हूं। कोशिश यही करता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं ना उसको मैं पूरा कर दूं। मैं शालू को एक दिन यही बोल रहा था कि शालू शायद बिजनेस में इसलिए यहां तक पहुंचा क्योंकि जो मैं बोलता था उसको पूरा किया, और आज भी मुझे बिल्कुल क्लैरिटी है कि मैं क्या बोल रहा हूं और मैं इसको कहां तक पूरा करूं। अगर मैंने बोला है तो मैं ये कंप्लीट करूंगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम लोग अभी इंडिया में, मैं था, आई डोंट नो किसकी टीम थी, उदय लोगों के साथ किसी की तरह, मैं उनको यही बोल रहा था, शायद कुछ लोग बैठे थे मेरे साथ की, मैं उनको यही बोल रहा था कि बिजनेस इसलिए हो गया क्योंकि कोई काम इनकम्प्लीट नहीं छोड़ा, डीआर किया, वीकॉन जाना था वीकॉन गए, कैंप जाना था कैंप गए, ये करना, ये बोनांजा अचीव करना था बोनांजा अचीव किया, लैंडमार्क अचीव करना था लैंडमार्क अचीव किया। मैं बोल रहा था उन लोगों से कि मुझे जब तक ब्लू डायमंड नहीं हो गया तब तक हर रोज मुझे ये चीज लगती थी कि ये एक टास्क है जो अभी भी इनकम्प्लीट है, ना दिखे बट वो दिमाग में मेरे चलता था कि यार ये ब्लू डायमंड अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये एक एक गोल है जो मैंने अचीव नहीं किया। अब गोल है, मैंने अचीव नहीं किया है, तो क्या करूं? बिजनेस की हर वो एक्टिविटी जो मुझे करनी है उसको सिंसियरिटी और ऑनेस्टी से करूंगा। दैट वॉज माई थॉट प्रोसेस। किसी ने मुझसे पूछा कि डीआर नहीं हो रहे हैं तो मुझे क्या करूं, मैंने कहा डीआर नहीं हो रहे हैं तो सिर्फ ये मत सोचना कि डीआर करने की एक्टिविटी कर रहे हो। अगर आप सिस्टम ठीक से नहीं अटेंड कर रहे हो, अगर आप वीसेल ठीक से अटेंड नहीं कर रहे हो, अगर आप अप्लायंस की बात ठीक से नहीं सुन रहे हो, अगर आप वीडियोस ठीक से नहीं देख रहे हो, अगर आप किताबें ठीक से नहीं पढ़ रहे हो, डोंट एक्सपेक्ट डीआर होगा। मत सोचना आप ये, क्योंकि ही इज वॉचिंग यू कि आप कितनी सिंसियरली काम कर रहे हो। वो ऐसे ही किसी इंसान की जिंदगी आपके हाथ में नहीं दे देगा जब तक उसको ये ना रियलाइज हो जाए कि ये बंदा सही है। क्योंकि हर आदमी जो अभी साइन अप नहीं हुआ और अभी साइन अप होगा, वो भी मंदिर मस्जिद जाके पूजा कर रहा है, प्रेयर कर रहा है कि भगवान मुझे कुछ दिला दो, और भगवान ने उसको ऐसी जगह भेज दिया जहां से उसको सही गाइडेंस ना मिले या उसको गलत रास्ते पे लेके जाए, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना, जो कि बहुत केसेस में होता हुआ मैंने देखा है, होता है। ऊपर वाले की कोई तो मर्जी होगी ऐसे लोगों के साथ जो भी किया है, करा है। हम लोग तो एज अ अपलाइन ऐसा काम ना करें, एटलीस्ट हम तो अपना थॉट प्रोसेस ऐसा रखें, रखेंगे तो डीआर क्यों नहीं होंगे? डीआर हो जाते हैं तो उनको स्विच ऑन कैसे करें? मैं क्यों आज आप लोगों से डीआर की बात कर रहा हूं? आई डोंट नो मैं क्यों मेरे मन में ये सब आया और मैं डीआर की बात आपसे कर रहा हूं, क्योंकि वीकॉन आ रहा है, दिस मार्च आई थिंक वीकॉन आ रहा है, और जो लोग जब डीआर करते हैं ना तो कुछ नहीं करना है, इनको सिर्फ अच्छे से वीकॉन अटेंड कराना, अच्छे जोन में इनको वीकॉन अटेंड कराना चलेगा। जब चीफ बात करेंगे, दातोश्री बात करेंगे, वी पार्टनर्स बात करेंगे ना, वो मैजिक वहीं का मैजिक है, वो मैजिक बिना जाए फील किए नहीं हो सकता। तो आप में से जितने लोग हो, अगर अभी भी आप लोग ये सोच रहे हैं, इनफैक्ट अगर आपकी फैमिलीज आपके साथ बैठी है ना, तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप अपनी फैमिलीज को भी लेके जाओ, नॉट पार्टी मोड, नॉट हॉलीडे मोड, हॉलीडे मनाने नहीं, हनीमून मनाने नहीं, पार्टी के लिए नहीं, इसलिए जाओ ताकि आपको पता लगे कि अगर आपका बेटा, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो क्या कर रहा है। देखो आप स्क्रीन पे, समझो जो मेरे डीआर हैं या जो मेरी फैमिली में है जो बिजनेस में आज एक्टिव नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप सब मेरे सारे डीआर एक्टिव, कुछ लोग एक्टिव नहीं है,
लेकिन पता है आज भी मुझे मुझसे अच्छे से बात करते हैं, मिलते हैं, मेरी हर स्टेटस पे रिप्लाई करेंगे, मुझे हमेशा कॉन्ग्रेचुलेशन भेजेंगे, हर होली दीपावली मुझे विश करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने वीकॉन देखा है, दे नो कि ये लोग गलत नहीं है, उनको ये बात पता है। मेरा दोस्त है अनुपम, अनुपम कहाँ प्लेस है, आई थिंक नीरज के जस्ट बात प्लेस है वो, उसको मैंने साइन अप किया था और उसको मैंने बोला कि यार तुझे जरूरत है तो पैसे ले ले मुझसे, एंड ही सेड कि नहीं भाई मैंने बिजनेस नहीं किया था, मैंने पैसे अपनी मर्जी से दिए थे, मैंने बिजनेस नहीं किया था, ये पैसे तू मुझे वापस नहीं करेगा, मैंने मुझे नहीं चाहिए पैसे वापस, कुछ घर बनाना था कुछ, तो मैंने बोला कि यार तूने मैं अपने पास से दे दूं, एंड ही वाज लाइक नो नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि ये मेरी गलती है कि मैंने बिजनेस नहीं किया। क्यों? बिकॉज़ ना जिसको कंपनी का डीएनए पता होगा ना, वो इंसान हमेशा आपको सपोर्ट करेगा। ये जितने जितने लोगों के नाम आप देख रहे हो, जान रहे हो, ये इनकी फैमिलीज में जितने लोगों ने वीकॉन अटेंड किया ना, उनको फुल सपोर्ट करते हैं, उनको पता है क्या है। और आज आज की डेट में तो लोग सिस्टम में साथ बैठे होते हैं, वीसेल में साथ बैठे होते हैं, आप ऐसे स्क्रीन पे, मैं तो यूट्यूब लाइव पे हूं, मुझे अपनी केवल अपना चेहरा दिख रहा है, बट जितना मुझे बताया गया कि लगभग 50,000 लोग हैं जो अभी इसको सुन रहे हैं, और उनकी अगर फैमिलीज हैं तो आई डोंट नो कितने लोग हैं। तो अगर इतने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, तो उनको भी तो पता लगे कि यार उनका बेटा या उनके परिवार का कोई इंसान जो इस बिजनेस में है वो कैसे लोगों के साथ है। कम से कम उनको भी तो भरोसा होगा कि नहीं, ये अपने मुंह से बोल रहे हैं कि भाई मेहनत का पैसा फलता है, मेहनत करनी पड़ती है, घर बैठे नहीं बनता है, कोई डबल नहीं कर देता है, कोई देके नहीं जाता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई स्कीम नहीं है। वो सुन रहे हैं, अपने कानों से सुन रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ये लोग ऐसे लोगों के साथ हैं जो सीधे सच बोलते हैं, मेहनत से पैसा कमाते हैं। तो कोई बेटे को अपने 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 जानने वाले को नहीं पुश करेगा कि भाई तू भी कुछ कर ले। शाम को 6 बजे बैठ के वो टीवी में उल्टे सीधे सीरियल देखने के बजाय 6 बजे से 11 बजे तक अगर हम ये बात कर लें तो क्या जिंदगी में कहीं पहुंच नहीं सकते हम? एटलीस्ट जहां है उससे कुछ तो बेटर कर लेंगे। मैं कह रहा हूं महीने का एक चेक बनाओ, 15,000 रुपए ही बनाओ, क्या वो 15,000 रुपए वो घर पे 2-3 दिन अच्छे फल नहीं मंगा देगा? केले आ जाएंगे, कभी अनार आ जाएंगे, कभी पार्टी हो जाएगी, कभी बच्चों की कुछ पिज्जा बर्गर कुछ भी हो जाएगा, क्या वो 15,000 रुपए काउंट नहीं करेंगे? तो प्लीज आप लोग जितने लोग फैमिली मेंबर्स भी अगर आप लोग मेरी बात सुन रहे हो, तो जो भी आपके यहाँ बिजनेस कर रहा है उसको आप पुश करो, उसको आप लिटरली ना, वो कहते ना एग्जाम टाइम में जैसे आप ध्यान रखते थे ना, या पढ़ाई में ध्यान रखते थे ना कि बच्चा डेली पढ़ रहा है कि नहीं, वैसे ही अभी भी देखा करो कि डेली ये जूम पे जा रहा है कि नहीं, अपने अपलाइन से बात कर रहा है कि नहीं, किताबें पढ़ रहा है कि नहीं, वीडियोस देख रहा है कि नहीं, अपनी एक्टिविटी पूछा करो, आप पूछो ना, आप लोग एज ए फैमिली इनको सपोर्ट करो ना, आप लोग पुश करो ना, पूछो उनसे कि अभी तुम वीकॉन जा रहे हो कितने नए लोगों को लेके जा रहे हो, क्यों लेके नहीं जा रहे हो, क्यों सोच रहे हो। सपोर्ट करोगे ना एज ए फैमिली, और जब अपलाइंस वहां से राइट गाइडेंस देगा तो इनके पास मेहनत करके आगे बढ़ने के अलावा कोई चांस नहीं होगा। जितने बच्चे देख रहे हैं, अगर आपके मम्मी पापा लोग हैं ना बिजनेस में, तो प्लीज पूछना शुरू करो, पापा कितने डीआर हुए, कैंप कब जा रहे हो, मम्मा एलएस कैंप कब है आपका, कब जाओगी एलडीसी, सीटीसी हुआ, बेटा आप लोग पूछा करो इन लोगों से, नहीं तो ये लोग ना आराम करते हैं बहुत। ओके, सो आई होप किसी को बुरा नहीं लग रहा होगा, आई होप किसी को बुरा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि इंटेंट मेरा यही है कि प्लीज आप लोग ना अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो, प्लीज अपनी एनर्जी गलत जगह पे डालना बंद करो, राइट जगह पे अपना फोकस लेके। अगर मैं कर सकता हूं, मतलब मैंने अपने सारे डीआर की कहानी आपको सुना दी, आई होप कुछ बचे ही होंगे, तो आप क्यों नहीं कर सकते, वाई नॉट यू, वाई नॉट यू। ऐसा कौन सा मैं किसी और मंगल ग्रह से निकल के आया हूं, बात सिर्फ इतनी सी है कि हाँ मैंने जब कोई चीज डिसाइड की तो उसको पूरा किया। क्लाइंट ने बोला ब्रजेश ये करना है, मैंने कहा हाँ करना है तो करना है, वीकॉन जाना है तो जाना है, दोनों को जाना है तो दोनों को जाना है, वीकॉन आ रहा है आपका, मतलब जो मेरे साथ सितंबर 2012 में हुआ वो आपके साथ होने वाला है, और आप लोग इतने लकी हैं कि आप लोगों को वीकॉन अभी मिल रहा है, इंडिया में मिल रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है।
पे खर्च आया था, एक इंसान पे खर्च आया था जब हम जकार्ता गए थे, तो 1,00,000 रुपए पर इंडिविजुअल पे खर्च आया था, पासपोर्ट बनवाना, फिर वो टिकट लेना, वीजा लेना, और इंडोनेशिया का वीजा ऑन अराइवल था तो आसान हो गया था काम, फिर वो रजिस्ट्रेशन फीस देना, ढेर सारी चीजें थी। और आज की डेट में मैं देख रहा हूँ अपलाइन बेचारा लगा हुआ कि भाई प्लीज वीकॉन अटेंड कर लो, प्लीज साथ में आ जाओ। और मुझे कभी कभी लगता है यार कैसे समझाऊं कि अगर आप वीकॉन नहीं जा रहे तो आप जिस डाली पे बैठे हो आप उसी को काट रहे हो। हम सबको कहानी याद है ना कि जिस डाली पे बैठे हैं उसी को ऐसे ऐसे काट रहे हैं और हम खुद देख के हंसते हैं। वैसे ही मुझे रियलाइज होता है जब मैं देखता हूँ लोग कहते हैं कि वीकॉन, अरे यार 15,000-20,000 का खर्चा है टाइप्स, सोचता हूँ अरे मेरे भाई, मेरी तो 35,000 की सैलरी थी जिसमें से 3,000 रुपए भी नहीं बचते थे, सब खर्च हो जाता था, तब भी हमने 2,00,000 रुपए कहीं से अरेंज किए और गए तो आज यहाँ है। दिन में एक बार खाना खाया, एक बार कैसे कैसे मैनेज किया, बट कभी कंप्लेन नहीं की, तब है शायद यहाँ पे, अदरवाइज नहीं होते ना। सारे आपके अप्लाई, सारा आपका अरेंजमेंट देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको कोशिश यही करनी है कि अगले 7-8 दिन में, कितने दिन बचे हैं, टुडे इज 19th, करेक्ट, हाँ 19th, 19 तारीख है, 19 तारीख से लेकर के ऑलमोस्ट 1 हफ्ता आपके पास बचा हुआ है। जो बचे हुए लोग हैं, जो आपके जो रिलेटिव्स हैं जिनको आप पुश कर सकते हो, साइन अप कर सकते हो, जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनको अभी तक आपने नहीं साइन अप किया, आप सोच रहे हो कि करूंगा, देख लूंगा, पता नहीं इसके बाद, प्लीज ये सबसे बाहर निकलो, इनको साइन अप करो, इनके साथ बैठो, टाइम स्पेंड करो, इनको समझाओ कि क्या से क्या हो सकता है। यूट्यूब पे इतनी वीडियोज पढ़ी, उनको दिखाओ, और फिर उनको आप वीकॉन लेके जाओ। और वीकॉन जब जाना ना, तो प्लीज आप लोग हॉलीडे मोड में मत जाना कि भाई ना अभी तो 3 दिन ना होटल में आराम करेंगे, नौकरी से बहुत थक गए, प्लीज नो, इतने पैसे खर्च करके वहां सीखने के लिए जाना करेंगे कि भाई इस टाइम पे यहां आ जाओ, उस टाइम पे वहां जाओ। समझना इस बात को कि आपके भले के लिए बोल रहे हैं, उनको सपोर्ट करना, बी विद देम, जैसे घर में शादी होती है ना, हम किसी भी लड़की के या किसी की लड़की के क्या जब शादी होती है तो हम जाते हैं तो क्या चौधरी बन के बैठते हैं, पूरे घर में हाथ बटाते हैं ना, तो आपको हाथ नहीं बटाना है, वो इन सर्विस वहां करेगा, बट एटलीस्ट बी अ गुड पार्टिसिपेंट, एक एक चीज सुनो आप, पता नहीं वीकॉन में कौन सी बात आपको कब क्लिक हो जाए। छोटी सी बात मुझे क्लिक कर गई और मैं आज यहां हूं, क्या पता आपके साथ भी कुछ ऐसा हो। कुछ लोगों को क्लिक कर गया तो यहां है, क्या पता आपके साथ भी कुछ ऐसा हो जाए। में जाओगे या साथ रुकोगे तो छोटी छोटी प्रॉब्लम हो सकती है, रूम लेट मिला, खाना थोड़ा, प्लीज आप वहां मस्ती करने नहीं गए, इट्स ओके। कराओ आप, आपके मोबाइल पे अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड हो, ताकि खुदा ना खासा कहीं कुछ हो तो आप अपने लॉगिन अपने मोबाइल पे देख लो, एटलीस्ट देखने का होता है ना। जो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि अपलाइन की प्रेजेंस में, शायद अपलाइन लोगों ने मेरा वीडियो आप लोगों को जरूर दिया होगा, दिखाया होगा, बताया होगा कि ये वीकॉन वाला वीडियो, उसमें मैंने बात बोली थी वीकॉन खुद से अटेंड करना और वीकॉन अपलाइन के साथ अटेंड करना, ये बिल्कुल वैसे ही है कि मैं सचिन तेंदुलकर के साथ मैच बैठ के मैच देख रहा हूं, या अकेले बैठ के मैच देख रहा हूं, अपने 4 दोस्तों के साथ मैच बैठ के देख रहा हूं। सचिन तेंदुलकर के साथ बैठ के क्रिकेट मैच देखूंगा ना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जो मुझे पता नहीं होगा वो पता लगेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको आप ऐसे भी फील कर सकते हो, आप मैच जब घर पे देखते हो तो कमेंट्री चल रही होती है, आप फील्ड में जाके देखो ना मैच, कोई कमेंट्री नहीं चल रही होती है, आपको समझ में आ जाएगा कमेंट्री के बगैर मैच देखना और कमेंट्री के साथ मैच देखने में क्या डिफरेंस है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके अप्लायंस आपकी कमेंट्री करेंगे, बट अप्लायंस की प्रेजेंस आपको फोकस करने में हेल्प करेगी। देखते रहते हैं तो हमारी पढ़ाई करने की इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ जाती है, ये बिल्कुल वैसा ही है। तो आप अलाउ करो अपने आप को, ताकि आपकी अप्लायंस आपको राइट जोन में बिठा पाए, अलाउ करो अपने आप को ताकि अप्लायंस आपको लेके जा पाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका ही इसमें फायदा होना है। अभी भी 7 दिन है, अगर मैं कर सकता हूं, नर्सरी के दोस्तों को साइन अप, प्राइमरी स्कूल के दोस्तों को साइन अप,
हाई स्कूल, सैनिक स्कूल, डॉक्टरी, बीडीएस, नौकरी, मेरे बैंकर, मेरा पर्सनल ट्रेनर, मेरे घर पे जो लोग आते, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं? वाई? कुछ तो इंटेंट, कुछ तो गड़बड़ है ना, कुछ कुछ आप गलत तरीके से सोच रहे हो शायद। सकते हैं चीफ के घर, उनकी अपनी टीचर के घर, उनसे मिलने की उनके बेटे को साइन अप करना है, तो सोचते ही नहीं हो ना, इसीलिए तो डीआर नहीं होते हैं, नहीं हो ना। अब ये भी नहीं करना है कि तुरंत पहुंच गए, साल छह साल बाद उनके घर की ये कर लेंगे वो कर लेंगे। बिल्ड योर ये ट्रस्ट, अपने 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 ना, अपनी मुंह से बोली हुई बात को करने के लिए कुछ भी करो भाई। जो बचे हुए डीआर हैं उनको छोड़ना नहीं है, कर डालो आप उनको। फैमिली में जो लोग हैं जिनको अभी अभी भी आपने सोचा हुआ है कि हॉट साइन अप करूं कि नहीं, क्योंकि ये एक्टिव नहीं होंगे, पता नहीं ये बिजनेस करेंगे कि नहीं, उनको प्लेस कर लो, वीकॉन से पहले प्लेस कर लो आप उनको। वीकॉन के बाद बिजनेस भागता है, अगर लोगों ने सही तरीके से वीकॉन अटेंड किया है ना, वो फेथ, वो भरोसा आता है कि हाँ यार सही लोग हैं। और जब वो भरोसा आता है तो हम किसी से भी बड़ा कॉन्फिडेंटली, मैंने बोला ना कि मैंने वीकॉन अटेंड करने से पहले तक मैंने हर काम किया जो अपलाइन ने बोला, बट मन से आवाज नहीं आती, दिल से आवाज नहीं आती। वीकॉन के बाद से दिल से आवाज आने लगी, तो हम ये कहते हैं कि भाई शुरू कर, मैं हूं ना तेरे साथ, दोनों भाई मिल के मेहनत करेंगे, ये हमेशा बोलना और इसको पूरा करना, दोनों भाई मिल के मेहनत करेंगे, के करेंगे, एक कदम आगे रहना पीछे नहीं। आपका बिजनेस नहीं होता, ऑनेस्टी से लगे होगे तो जरूर होगा। तो पहला कि जो लोग बचे हुए हैं हॉट साइन अप, उनको हॉट साइन अप करना है, जो आपके डीआर सभी भी पेंडिंग है उनको डीआर करना है। आप वीकॉन खुद जा रहे हैं, जितने लोगों को लेके जा सकते हैं लेके जाओ। आप 6 महीने तो बिजनेस डिले होगा ही होगा, पता नहीं 6 महीने में आप बचोगे भी कि नहीं। बहुत पुरानी कहावत है वीकॉन को लेकर के कि अगर आप वीकॉन जाते हो तो मैं आपकी सक्सेस गारंटी नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप वीकॉन नहीं जाते तो मैं आपका फेलियर गारंटी जरूर कर सकता। नो डाउट इन दिस। एक आदमी आप एक सक्सेस स्टोरी बता दो जिसने वीकॉन अटेंड ना की हो। अगर आप सच में स्मार्ट इंसान हो तो आप चेक कर लेना अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, एक सक्सेसफुल आदमी, एक आदमी जो 2 साल से ज्यादा से बिजनेस में और उसने वीकॉन ना अटेंड किया, गिव मी वन नेम। आपका भरोसा जीतना है ना, कि उनको ये भरोसा दिलाना है कि सही जगह पे है, वीकॉन लेके जाओ अपन को, मैं आपको देता हूं। लग जाएगा कि कितने लोगों ने डीआर किए, क्योंकि डीआर आप करोगे तो काउंटर पे दिखेगा मुझे, दिखेगा वीकॉन काउंट मुझे बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि मैं डेली आपके सारे अपलाइन से वीकॉन काउंट ट्रैक कर रहा हूं, कितने लोग हो गए। आप खुद सोचे मुझे क्या फर्क पड़ना है वीकॉन काउंट से, मैक्स आउट तो वही होना है ना, 300 यूवी पे। बट इतने लोगों को ट्रैक, क्योंकि इंटेंट ये नहीं है कि मेरा मैक्स आउट हो जाए और मेरा पैसा हो जाए, ये इंटेंट ना कभी था ना कभी है ना कभी रहेगा। इंटेंट यह है कि कितने लोगों की जिंदगी में क्यूनिट चेंज ला सकता है। ऐसी कोई गलती करना अलाउ ही नहीं करेंगे जिससे कि वो कुछ ऐसी गलती कर जाए कि ये क्यूनिट उनकी लाइफ में चेंज ना ला पाए। मैंने हर वो बात जो बोली है वो वही है कि प्लीज इन बातों का ख्याल रखना, ताकि गलती से गलती ना हो और ये फरारी आपके हाथ से ना निकल के चली। और मैं कोई नंबर नहीं बता रहा हूं, 2, 4, 5, 6, एज मेनी एज पॉसिबल जा सकते हो वीकॉन लेके जाओ, बैठो इस सिस्टम के बाद। अभी अप्लायंस के साथ आपकी शेयरिंग होगी, आप बैठना खुद से सोचना कि जो मैंने जर्नी बताई, जैसे मैंने अपने अपने सारे डीआर किए, क्या आप भी ऐसा ही कर रहे हो?
उन्होंने ये किया तो आपको भी लग रहा होगा कि हम भी कभी ऐसा कर सकते हैं, आई एग्री, आप मेरे से बहुत बेहतर कर सकते हो, लेकिन जो मैंने किया यहां तक पहुंचने के लिए आप उससे ज्यादा तो करो। मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि मैंने जब भी अपने अप्लायंस को सुना है तो मैं एक ही चीज कंपेयर करता था कि अगर मुझे वहां तक पहुंचना है तो क्या मैं उतनी मेहनत कर रहा हूं जितने इस अप्लायंस ने मेरी स्टेज पे किया था। बहुत से लोग होते हैं, अरे आपने कर लिया हमसे नहीं होगा, नो। फिर आप ना, मैं हमेशा ये बात मानता हूं, जो इंसान जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेहनत नहीं कर रहा है ना, वो अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा है। ही इज नॉट ऑनेस्ट टू हिज वाइफ, ही इज नॉट ऑनेस्ट टू हर हस्बैंड, ही इज नॉट ऑनेस्ट टू हिज चिल्ड्रन, ही इज नॉट ऑनेस्ट टू हिज पेरेंट्स। मेरा मेहनत करना ये इस बात का सबूत है कि मैं अपने परिवार के लिए लॉयल हूं, मैं अपने परिवार के लिए कमिटेड हूं। मेरा मेहनत करना इस बात का सबूत है, करने की जरूरत नहीं है ना। मैं घर की चीजों को बदल रहा हूं ना, मैं घर में चीजें, जरूरत की चीजों को पूरा कर रहा हूं ना, that's what my philosophy is. आपकी अलग हो सकती है बट ये मेरी फिलॉसफी है, ओके। सो अभी सिर्फ और सिर्फ डीआर करने हैं और वीकॉन लेके जाना है। और एक और चीज दोस्त, कौन लेके गया था, बड़ी कर दी, और भी हैं बट दो ने बड़ी बड़ी कर दी, साइन अप कर दिया, आपको पता है सारी स्टोरी, उधर लोग उधर साइन अप हो गए, वो सारी स्टोरी पता है। ऐसे ही अनूप हो गया, ऐसे ही अपार अर्पित हो गया, ऐसे ही शालू हो गई, ये सब पूरा पूरा बिजनेस तो मैंने अपने आपको बता दिया, आपकी आंखों के सामने खोल के रख दिया। तो शालू का सिस्टम आपने सुना होगा ना, लास्ट टू लास्ट टाइम आई थिंक होते हैं ना, और 10 डीआर को लेके बैठे हो या 10 टीम में लोगों को लेके बैठे हो, होते हैं तो सोचो क्या करेंगे। कभी आपने ऐसे सोचा है, विजुलाइज किया है कि आप जिन लोगों को वीकॉन में लेके जा रहे हो, वीकॉन अटेंड करने के बाद स्विच ऑन हो जाए? कौन सिर्फ इसलिए गया था कि मस्ती करूंगा, वीकॉन के बाद जाने क्या बदल गया? वीकॉन से लौट के आए, नौकरी पकड़ने ही नहीं गए। मुकेश अर्चना वीकॉन से लौट के आए, भाई हम छुट्टी ले लें क्या? ऐसी छुट्टी ली कि आज तक नहीं गए। तो मैं कहता हूं 20 लोग भी बैठे ना आपकी टीम से, 10 लोग भी बैठे और उसमें से दो भी हो गए ना, दो भी, तीन भी, दो भी, तीन भी, हजारों की टीमें खड़ी कर देंगे ये लोग। मैं इन लोगों को लेके जाता था या मैं करता, मुझे लगता था कि मेरा काम है करना, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। अनूप को जब मैं लेके गया था या चाहे इन लोगों को, मैं तो मेरा काम था, मेरे अपलाइन ने मुझे बताया था कि मेरे डाउनलाइंस को वीकॉन लेके जाना बहुत जरूरी है, वीकॉन से ही लोग डिसीजन लेते हैं, इसको फॉलो किया, इन्होंने वहां डिसीजन लिया और उसके बाद आके इतिहास बदल दिया। सत्ता आवाज आ रही है, इज इट क्लियर? ओके, सो थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को मिल गया होगा आज के सिस्टम से कि आप लोगों को क्या करना है। थोड़ा लंबा सिस्टम चला बट आई होप आप लोग, आप करोगे आपको जो करना है, बिकॉज दिस इज अबाउट योर फ्यूचर, दिस इज अबाउट योर फैमिलीज फ्यूचर। आपके आसपास जितने लोग हैं ना, मम्मी पापा भाई बहन बच्चे, उनके फ्यूचर की बात है। मुझे पता है आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो सिर्फ बोलने की बात है, बट ऐसा है नहीं, करके देखो आप ही। You will never say कि गलत बताया या सही नहीं समझा, ठीक है? So okay, thank you so much. Okay, Tata, bye bye. मिलते हैं वीकॉन में, okay?